हेलो एवरीवन वेलकम बैक चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे और आज से शुरुआत करेंगे हम लेसर अकाउंटिंग का डिस्कशन इन डेस वन वन सिक्स में तो देखिए दोस्तों यहां तक जो हमने कर लिया था मॉडिफिकेशन मेजरमेंट इनके क्वेश्चंस इनके सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसके बाद में जो टॉपिक आपको आपके मॉड्यूल में देखने को मिलता है वो है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड उसके बाद में आता है डिस्क्लोजर तो ये जो है हम लास्ट में स्टैंडर्ड के लास्ट में पढ़ेंगे एक साथ में दोनों का लेसर और लेसी का तो जो फाइनेंस लीज रिलेटेड है जो ऑपरेटिंग लीज रिलेटेड है बोथ लेसर और लेसी ये सारे की सारी चीजें हम लोग लास्ट में कर लेंगे ठीक है तो इसको एक बार बीच में आप स्किप करेंगे अभी के लिए ठीक है इनकम टैक्स अकाउंटिंग जो है वो वैसे भी आपको मैं डेफर टैक्स वाले स्टैंडर्ड में कराने वाला हूँ तो इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी की सारी बातें हम वहीं पे करेंगे जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो अब आते हैं लेसर अकाउंटिंग के अंदर तो देखिए दोस्तों लेसर अकाउंटिंग आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इनफैक्ट लेसी अकाउंटिंग भी इतनी कोई हार्ड uh, नहीं थी सॉरी तो लेसर अकाउंटिंग की बात करें तो एस 19 में आपने जो पढ़ा था इंटरमीडिएट आईपीसीसी पीसीसी पीई टू जो भी डोमेन रहा है आपका तो आपने जो ए एस नाइनटीन में पढ़ा है ना तो वही का वही डिस्कशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों वही सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पे रिवाइज होते हुए नजर आएंगे तो सबसे पहली बात तो कि लेसर अकाउंटिंग जो है उसके अंदर आपको बाइफरकेटिव मॉडल को प्रायोरिटी देनी है दैट मीनस कि फाइनेंस लीज क्या है तो ऑपरेटिंग लीज क्या है इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा यानी लेसर को ये फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज बिल्कुल अलग अलग करने पड़ेंगे ऐसा नहीं है कि लेसर भी एक ही प्रकार से जो है वो अकाउंटिंग चलाएगा अब इसके बारे में पहले लेसर के अकाउंटिंग के बारे में समझ लेते हैं फाइनेंस लीज के बारे में समझ लेते हैं ऑपरेटिंग लीज के बारे में समझ लेते हैं कुछ अकाउंटिंग के बारे में बातचीत कर लेते हैं फिर बाद में अपन इस क्वेश्चन को पिकअप करेंगे कि भाई लेसर के यहां से ये चीज एलिमिनेट क्यों नहीं हुई है ना लेसर की बुक्स से ये चीज जो है वो हटाई क्यों नहीं गई इसके भी बुक्स में क्यों सर सिंगल क्लासिफिकेशन मॉडल नहीं है था? सारी की सारी लीज को राइट ऑफ यूज वाला मतलब उस मॉडल के ऊपर बेसिस पे अपन जज कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू लेसी क्लासिफिकेशन कंसर्न तो लेसर में ऐसा दोनों मतलब भेदभाव क्यों किया गया तो ये सारी बातें इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे बट एक बार इनके बारे में पढ़ लेते हैं वे देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बताया कि लेसर जो है वो कौन है तो लेसर के लिए बताया गया कि एक एंटिटी है दैट प्रोवाइड्स द राइट ऑफ यूज एन अंडरलाइंग एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन तो कोई खास बात नहीं है इसके अंदर एट इंसेप्शन ऑपरेटिंग लीज तो मतलब इंसेप्शन पे डिसीजन लेना जरूरी है कि लीज कैसी है ऑपरेटिंग है या फाइनेंस क्योंकि दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होगा लीज क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हाउ एंड डिटर लीज इनकम एंड वटेट आर रिकॉर्डेड सो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच द रिस्क एंड रिवार्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा रिस्क एंड रिवार्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप ऑफ द अंडरलाइंग असेट लाई लेसर और द लेसी, सो इट डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन रादर देन द फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो यहां पर वही वाली बात हो गई कि आपको सब्सटेंस में डिसीजन लेना पड़ेगा फॉर्मैलिटीज में क्या लिखा हुआ है इसका मतलब आपको कुछ सर्टन क्राइटेरिया जो है वो टेस्ट करने पड़ेंगे कि लीज ऑपरेटिंग है या नहीं है फाइनेंस है या नहीं है अपने आप ही आप उन सारी चीजों को टेस्ट करेंगे तो क्लासिफिकेशन हो जाएगा तो कहता है फाइनेंस लीज एक ऐसी लीज है दैट उसमें क्या हो जाता है आप अपने सारे रिस्क और रिवार्ड जो है वो एक प्रकार से सबस्टेंस में ट्रांसफर कर देते ठीक है इंसिडेंटल टू ओनरशिप इंसिडेंटल टू ओनरशिप ऑफ एन अंडरलाइन एसेट यानी सब स्टैंशियली वर्ड बस स्टैंडर्ड में ए एस नाइनटीन में भी ऐसा ही लिखा हुआ था यहां पे भी यही वाली बात लिखी हुई है और यही सबस्टली वर्ड का इंटरप्रिटेशन जो है या कोई इस पर्टिकुलर चीज का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बना के नहीं दिया गया कि सब्सटैंशली को आप कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे तो केस टू केस बेसिस पे अकाउंटिंग पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज को इंटरप्रिटेट किया जाएगा अब देखिए दोस्तों आईपीसीसी में क्या था फाइनेंस लीज के वो कुछ इंडिकेटर्स जो मैंने आपको क्लास के शुरुआत में भी बताए थे इंडिया Uh, के स्टार्टिंग uh, में मैंने जब आपको बताए थे कि फाइनेंस लीज के कुछ इंडिकेटर्स हुआ करते थे है ना

है मतलब अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन का मीनिंग चेंज नहीं हुआ है बस वर्डिंग चेंज हुई है यहां पे कहता है कि जब सबस्टैन्शियली ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड्स ट्रांसफर नहीं होते तो फिर बाद में वो आपका ऑपरेटिंग लीज है सो नाउ द एंटायर फोकस इज बेस्ड ऑन द वन वर्ड सबस्टैन्शियली ऑल ऑफ द रिस्क एंड रिवार्ड्स अगर ये ट्रांसफर हो गए लेसी द्वारा लेसर को सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने लेसर द्वारा लेसी को तो ये हो जाएगा आपका फाइनेंस लीज अदरवाइज ये हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग लीज है ना तो ये सर रिस्क एंड रिवार्ड्स जो है इनके बारे में समझाइए क्या हो सकता है मतलब रिस्क रिवार्ड की क्या-क्या कैटेगरीज -क्या हो सकती है कैसे पता चलेगा कि रिस्क रिवार्ड जो है वो ट्रांसफर कर दिए लेसर ने lessee को तो कहता है इंडेस 116 लिस्ट सम ऑफ द क्राइटेरिया एंड नंबर ऑफ दैट इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन वुड नॉर्मली क्लासीफाइड लीज नाउ अब ये वो इंडिकेटर्स हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में यदि दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका लीज जो है वो फाइनेंस लीज की तरफ बढ़ रहा है तो देखिए क्या कहता है ओनरशिप से रिलेटेड क्राइटेरिया कहता है द लीज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द lessee बाई द एंड ऑफ द लीज टर्म मतलब लीज टर्म आपका जो भी है पांच साल दस साल छह साल लीज टर्म के बाद में आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी मतलब आपसे बिना कंसिडरेशन ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी और कंसिडरेशन या तो लिया जाएगा तो बहुत नॉमिनल होगा लेट से कि वन रुपीज में आपको ट्रांसफर हो गया हंड्रेड रुपीज में आपको पूरा का पूरा जो एसेट्स है वो ट्रांसफर कर दिया गया लीगल डीड्स जो है टाइटल डीड्स जो है वो आपके नाम कर दिए गए तो बताइए दोस्तों कोई व्यक्ति लीज टर्म के एंड में आपको इतने कम कंसिडरेशन पे या जीरो कंसिडरेशन पे क्यों अपना एसेट ट्रांसफर करेगा सोचिए जरा ये वही एसेट्स ट्रांसफर हो सकते हैं जिनकी पूरी की पूरी फेयर वैल्यू विथ इंटरेस्ट लेसर ने आपसे वसूल कर ली हो इसका मतलब क्या हो गया लेसर ने आपसे लेसर ने आपसे रेंट वसूल नहीं किया है बल्कि वो एसेट्स आपको बेचकर उस एसेट्स का पूरा मूल्य ही रिकवर कर लिया है पूरी वैल्यू ही रिकवर कर ली है सो दैट इज द केस ऑफ ओनरशिप क्राइटेरिया तो यहां पे ओनरशिप अगर आपको ट्रांसफर हो रही है ऑटोमेटिकली जीरो कंसिडरेशन पे फ्री कंसिडरेशन पे या एक नॉमिनल कंसिडरेशन पे सो दिस इज वन ऑफ द प्राइम इंडिकेटर कि आपका लीज जो है वो फाइनेंस लीज है ना कि ऑपरेटिंग लीज महज एक किराए का अग्रीमेंट दूसरा है परचेज ऑप्शन यह भी हमारे सेम परचेज ऑप्शन जो था वो भी अपने आईपीसीसी के अंदर इंडिकेटर में शामिल था परचेज ऑप्शन का मतलब होता है द लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज दाइज एक्सपेक्टेड टू बी सफिशियंटली लोअर नाउ अंडरलाइन द वर्ड सफिशियंटली लोअर अगर मान लीजिए दोस्तों ये पेन का आ, जो भी प्राइस होता है एक्स प्राइस है लेट से सौ रुपए पेन का प्राइस है और मैं मेरे लेसी को कहता हूं कि भैया इस पेन को तुम दो रुपए में खरीद लो पांच रुपए में खरीद लो ठीक है तो सौ रुपए का प्रेम कोई दो या पांच में क्यों बेचेगा रीजन ये है कि ये सौ रुपए में वसूल कर चुका हूँ एक्सरसाइजेबल फॉर इट टू बी रीजनेबल इज सर्टन वही वाली बात की ऑप्शन का जो एक्सरसाइज होना है ये तो फ्यूचर पे आपका पता है आपको डिपेंड करता है बट ये आपको पहले से रीजनेबली सर्टन होना चाहिए कि अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज़ हो जाता है तो पैसा जो है वो सफिशियंटली लो जो है अमाउंट पे चार्ज किया जाएगा और ये पहले इंसेप्शन डेट को ही क्या हो जाना चाहिए फिक्स हो जाना चाहिए दैट द ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज कॉन्टिंजेंट नहीं होना चाहिए कुछ बाद में जाके कुछ हुआ है ना सबसे पहले से ही होना चाहिए सारी की सारी चीजें क्लियर तभी तो जाके क्लासिफिकेशन फिक्स होगा ना अब जैसे मैं आपको कहता हूं कि ये मशीनरी मैंने आपको दे दी है मशीनरी मैंने आपको पांच साल के लिए दी है और मैं आपको एक परचेज ऑप्शन देता हूं परचेज ऑप्शन का प्राइस ये आज आज ही मैं फिक्स कर देता हूं ठीक है अब ऐसा है कि यही परचेज ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं लेकिन इसका प्राइस फिक्स नहीं कर रहा मैं कहूंगा कि आपके पास में परचेज ऑप्शन तो है लेकिन मार्केट में जो भी रेट होगी उसी रेट पर आपको परचेज करने का अधिकार मिलता है तो फिर वो परचेज ऑप्शन एक नॉर्मल परचेज ऑप्शन की तरह काम करेगा और वो परचेज ऑप्शन का हमारे फाइनेंस लीज क्लासिफिकेशन में कोई रोल नहीं है दोस्तों आई होप यू आर गेटिंग इट है ना क्योंकि वो परचेज ऑप्शन इंडिपेंडेंट है फेयर परचेज ऑप्शन है आपको ही क्या किसी भी व्यक्ति के पास में ये अधिकार है कि वो फेयर मार्केट वैल्यू पे ले लेगा अगर आज बाजार में कोई मशीनरी दस हजार रुपए की आती है तो आप भी दस हजार में खरीद सकते हो मैं भी दस हजार में खरीद सकता हूं तो बाद में मेरे ऑप्शन का मतलब ही क्या निकला तो कहने का मतलब परचेज ऑप्शन जो है इंसेप्शन के दिन फिक्स हो जाना चाहिए इतने रुपए में आपको मशीन भेज दी जाएगी एसेट्स भेज दी जाएगी जो भी एसेट्स होगा है ना और वो प्राइस जो है वो असली फेयर वैल्यू से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए ये बहुत जरूरी वाली बात है ठीक है अच्छा लीज टर्म ये क्राइटेरिया भी हुआ करता था लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट्स इवन इफ टाइटल इज नॉट ट्रांसफर्ड है ना तो मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ मतलब क्या हो गया दोस्तों Uh, जैसे मैंने आपको काफी बार ये बातें बताई है टेंजिबल एसेट्स 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 वाले स्टैंडर्ड में भी कि एक एक तो की की इकोनॉमिक लाइफ होती होती है एक की होती है यूजफुल लाइफ यूजफुल लाइफ इकोनॉमिक लाइफ सौ साल हो सकती है तो यूजफुल लाइफ पांच से दस साल भी हो सकती है कुछ भी हो सकती है दस साल बीस साल पचास साल वो आपके यूज पर निर्भर करता है समझ रहे हो तो मान लीजिए एक सौ साल वाले एसेट्स को आपने लीज पे लिया पांच से दस साल के लिए तो आप उसकी इकोनॉमिक लाइफ का फाइव बाई टेन यूज कर रहे हैं so तो दिस इज हाउ परसेंटेज इज कैलकुलेटेड तो इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ ये दो अपने आप में अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको सबको पता ही होगा ये तो हमने हमने काफी बार हमने अपने सेशन के दौरान इसके ऊपर चर्चा कर ली है तो यहां पर बात ये हो रही है कि सपोज करो कि किसी असेट्स का इकोनॉमिक लाइफ मान लीजिए दस साल है और उस असेट्स को आपने सेवन ईयर्स लीज पे ले लिया या फिर एट ईयर्स लीज पे ले लिया ठीक है? नाइन लीज पे ले लिया नाइन पॉइंट फाइव लीज पे ले लिया तो क्या हो गया ये? ये एक प्रकार से मेजर पोर्शन कवर हो गया अब again यहां पे दोस्तों कोई percentage नहीं किया गया है एटी परसेंट इज द मेजर पार्ट नाइनटी परसेंट इज द मेजर पार्ट है ना तो अब यहां पे वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी से डिसाइड कर लिया जाएगा कि मेजर पार्ट क्या होता है हाउ डू यू इंटरप्रिटेट वर्ड मेजर पार्ट इन लीज टर्म और वो आपको कंसिस्टेंटली पूरे के पूरे लीज कॉन्ट्रैक्ट पे लगाना पड़ेगा सिमिलर लीज कॉन्ट्रैक्ट जितने भी आप करते हो तो ये डेवलप कर लिया जाएगा थ्रू अकाउंटिंग पॉलिसी बट द मेन थिंग इज दैट आपको ये रैशनल समझ में आना बहुत जरूरी है कोई डेटा आपके ऊपर थोपा नहीं गया है कि दिस इज परसेंटेज ये लीजिए आपका काम हो गया आपका है ना तो लीज टर्म का मतलब ये है सीधी सी बात है समझने की भी कोशिश करेंगे साथ साथ में सिवाय रटने के कि अगर कोई एसेट दस साल का है और वो मान लीजिए छह या सात है ना मतलब सिक्स तो अपन वेर मिनिमम मान के चलते हैं मतलब उस से कम अगर होता है तो उसको अपन ऑल ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ कह नहीं सकते तो दिक्कत हो जाएगी समझने में बड़ा मुश्किल होता है वो तो एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट तो कवर करे कम से कम सिक्सटी परसेंट तो होना ही चाहिए हाँ सिक्सटी परसेंट में भी ना हो ऐसा हो सकता है इवन सेवेंटी परसेंट में ना हो ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ योर अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी कहती है कि सर आठ साल से ऊपर जो भी आ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं फाइनेंस कह, कहते हैं राइट right? मतलब सॉरी 80 परसेंट से ऊपर जो इकोनॉमिक लाइफ को कवर करते हैं उनको हम फाइनेंस में शामिल कर लेते हैं तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी के मुताबिक एटी परसेंट से ऊपर वाले सब आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे कवर हो जाएंगे 80 से नीचे वाले नहीं कवर होंगे किसी ने वो पॉलिसी पे बना रखी है तो वो 75 का उनका थ्रेशोल्ड बन जाएगा सो दिस इज हाउ डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग एंटिटी वाइज एस्टैब्लिश हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी और ये फिर अकाउंटिंग पॉलिसी आपको अपने एनुअल रिपोर्ट में डिस्कलोज करके पूरी बतानी पड़ेगी है ना कि आपने किस प्रकार से इन सारे चीजों का इंटरप्रिटेशन uh, जो है वो लिया है ठीक है नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट यह भी हमारा ए एस नाइनटीन में हुआ करता था यह क्या चीज है कि इंसेप्शन डेट को द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स अमाउंट्स टू एट लीस्ट ऑल ऑफ ऑफ द द फेयर वैल्यू एसेट्स तो हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन कर, भी, कर भी देखते थे यह क्या मतलब हुआ देखिए आज जो फेयर वैल्यू है एसेट्स का वट एवर इज द फेयर वैल्यू लेट्स से हंड्रेड रुपीज है और जो लीज रेंट्स मिलेंगे आपको वन टू थ्री फोर फाइव है ना Uh, मान लीजिए आने वाले इन साल में आपको लीज रेंट जो है वो मिलेगा एक्स अमाउंट के लीज रेंट आपको मिलेंगे तो आप इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे है ना तो जब आप इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो क्या होनी चाहिए दोस्तों सौ के बराबर होनी चाहिए तो बराबर मतलब ये अप्रोक्सीमेट लिखा है मैंने अब ये 90 भी हो सकती है तो 80 भी हो सकती है है ना तो कम से कम ये फेयर वैल्यू जो है दोस्तों क्या होनी चाहिए सब्सटैंशली इसके ऊपर बराबर होनी चाहिए अगेन वही बात इज नेवर डिफाइंड दिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इसका इंटरप्रिटेशन एंटरप्राइज को ही बनाना पड़ेगा ठीक है ना तो कहने का मतलब जो भी किराया आप वसूल कर रहे हो उन सारे किराए की मतलब सॉरी किराया नहीं पेमेंट्स बोलना चाहिए मुझे इसको जो भी पैसा आपको मिल रहा है किससे लेसी से लेसर को जो भी पैसा मिल रहा है ट एवर द अमाउंट रिसीव्ड बाई लेसी अगर आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हो तो प्रेजेंट वैल्यू उस असेट्स की कीमत के बराबर आसपास सब्सटैंशियली हो जानी चाहिए तब तो वो क्या है फाइनेंस लीज अदरवाइज वो ऑपरेटिंग नाउ स्पेशलाइज्ड नेचर स्पेशलाइज्ड नेचर ये क्राइटेरिया भी हमारे एस नाइनटीन में हुआ करता था कि कस्टमाइज्ड एसेट्स आपको बना के दिया गया एक प्लांट एंड मशीनरी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया है आपके अलावा और कोई एंटिटी उसे यूज ले ही नहीं सकती मान लीजिए आप वो कोई ऐसा केमिकल तैयार कर रहे हैं ठीक है अब वो केमिकल है वो ऐसा ऐसा, ऐसा uh, मतलब स्कैर्स केमिकल है कि कोई दूसरा उसको यूज नहीं करता आप ही कर रहे हो तो वो केमिकल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट आपको बना के दिया गया हाईली कस्टमाइज्ड नेचर का एसेट हो गया अब क्या काम आएगा ये ये एसेट्स किसी दूसरे के क्या काम आएगा किसी के को, कोई काम नहीं आएगा आपके भी कोई काम करनी भले ही चाहे उस एसेट्स की कीमत कितने ही हजारों करोड़ रुपए क्यों ना हो लेकिन हमारे काम तो नहीं आ सकता ना तो वो एक डेडिकेटेड एंटिटी को ध्यान में रखकर स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज नेचर का एसेट जो है वो बनाया जाता है और जब वो ऐसा बनाकर उसको दिया जाता है लीज के ऊपर तो समझिए कि किराया नहीं बल्कि उससे उसका पूरा कॉस्ट और मार्जिन जो है वो रिकवर किए जाएंगे और वो फाइनेंस लीज हो जाएगा तो कहने का मतलब ये सारे वो इंडिकेटर्स हैं जिन इंडिकेटर के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका लीज या तो फाइनेंस लीज है या फिर ऑपरेटिंग लीज है ठीक है ना तो ऐसा पता लग जाने के बाद में दोस्तों होगा क्या होगा ये कि क्लासिफिकेशन हो जाएगा तो फिर बाद में अपन आगे का टॉपिक पढ़ लेते हैं अकाउंटिंग कैसे करनी है मालूम पड़ जाएगा है ना तो देखिए वही वाली बात है बार बार जो है वो इंडिया में नहीं है वो में डिफाइंड नहीं इसके रिगार्डिंग आपको इंटरप्रिटेशन अपने खुद के डेवलप करने हैं एडिशनली लिस्ट द फॉलोइंग इंडिकेटर ऑफ सिचुएशन दैट इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन कुड ऑल्सो लीड टू अ लीज बीइंग क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज सो अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स है ना आपके पास कुछ और भी क्राइटेरियाज हैं पहला लेसी कैन कैंसिल द लीज द लेसर लॉस लॉसेस असोसिएटेड विद द कैंसिलेशन आर बॉर्न बाई द लेसी अगर लेसी बीच में लीज को कैंसिल करके जाता है तो जो भी लेसर को लॉस होगा सारा लॉस यदि लेसी बॉर्न करेगा

वैल्यूट इज दिल बी टू दिन में दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिएगा ये क्या कहना चाहता है तो देखिए दोस्तों जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आपको सबको पता ही है कि जो लास्ट फाइनल आपका टर्म होता है लास्ट फाइनल टर्म में एक लेसी जो है गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू देने का एक वादा करता है लेसर को कि भाई मैं आपको इतना रुपया दे दूं लेट्स से कि वो कहता है कि दस हजार रुपये मैं आपको लास्ट में दूंगा फिर होता ये है मान लीजिए वो असेट्स जो है जो मैं उसको लेसर को वापस लौटा रहा हूं ठीक है इसका रेजिडुअल वैल्यू जो भी होगा अक्रू टू लेसी है मतलब इसका जो भी बेनिफिट या लॉस है वो लेसी को ही मिलने वाला है अब मान लीजिए दस हजार रुपये मैंने देने का वादा किया और मेरे पास में अभी मशीन जो है वो मान लीजिए फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का है ठीक है और मुझे मशीन वापस नहीं लौटाना खाली रेजिडुअल वैल्यू का पेमेंट करना है तो मैं पचास हजार की मशीन को बाजार में बेच दूंगा मेरे को पचास हजार रुपये मिल गए और दस हजार रुपये का मेरे को गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू का पेमेंट करना था ये लीजिए मैंने गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू का पेमेंट कर दिया किसको कर दिया लेसर को पेमेंट कर दिया ठीक है अब मेरे तो चालीस हजार का फायदा हो गया ना ठीक है अब यहाँ पे नुकसान भी हो सकता था मैंने उसको कह दिया कि दस हजार रुपये सर मैं आपको दूंगा ही दूंगा लेकिन पता चला मार्केट में ये असेट्स अब एक हजार रुपए में नहीं बिकने वाला थाउजेंड रुपीज में मान लो मैंने उस उसट्स को बेचा कैसे भी जैसे करके और मुझे अब देखिए कितना नुकसान हो गया वन थाउजेंड रुपीज मुझे मिला और मुझे एक्स्ट्रा नौ हजार रुपए लेसर को देने पड़ेंगे बिकॉज मैंने उसको कमिट कर दिया था कि दस हजार रुपए मैं आपको दूंगा ही दूंगा अब बताइए दोस्तों फायदा भी मेरा तो नुकसान भी मेरा मेरा मतलब मैं कौन यहाँ पे मैं हूं लेसी लेसी को यदि रेजिटेबल वैल्यू के बेनिफिट और लॉस रिस्क ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द रेजिटेबल असेट्स यदि लेसी के पास है जाहिर से बात है वो फाइनेंस लीज है, बिक चुका है वो एसेट्स सही मायने में सब्सटेंस में वो एसेट्स बिक चुका है लीज पे नहीं है वो सेल कर दिया गया है जबकि कागजों में उसको सेल नहीं दिखाया जा रहा है तो बस यही बात आपको समझनी पड़ेगी कि सेल हो चुका है सेल की एंट्री डलनी चाहिए राधर देन इसको रेंट पर भाड़े पर चढ़ाने की एंट्री और दूसरा ऑप्शन टू एक्सटेंड लीज ये वाली क्या बात है तो कहता है द एबिलिटी टू कंटिन्यू द लीज फॉर अ सेकेंडरी पीरियड एट ए रेंट दैट इज सब्सटैंशली लोअर देन दार्केट रेट अब देखिए दोस्तों ये जो है ना इसमें क्या मतलब समझिएगा जैसे आपसे एक टर्म फिक्स किया गया कि दस साल के लिए आप इस असेट्स को लीज पे ले लीजिए फिर बाद में हमें वापस लौटा दीजिएगा वापस लौटाएंगे तो हम इसको और दो तीन साल किराए पे चढ़ा देंगे बस इसकी लाइफ इतनी बची है तो लेट्स से कि दस साल तक आपको मैंने दिया एसेट्स और फिर मैं आपको कह रहा हूं कि यार अगर आपको जरूरत हो इस एसेट्स की तो आप ही इस एसेट्स को रख लीजिए और हम आपसे अब लीज रेंट जो है वो बहुत कम चार्ज कर लेंगे मान लीजिए दस हजार का लीज रेंट बनता है अब हम आप आप, आप हमको तीन हजार दे दीजिए दो हजार दे दीजिए तो क्या हो गया एक फेयर लीज रेंटल जो होता है उस एसेट्स का उससे बहुत कम लीज रेंटल पे हम आपको एक्सटेंशन का सुविधा दे रहे हैं तो समझिए कि इनिशियल पीरियड पर पूरा निचोड़ निकल गया है एसेट्स का है ना तो वो एसेट्स एक मायने में बिक चुका है तो ये कुछ एडिशनल फैक्टर्स हो गए आपके तीन एडिशनल फैक्टर आपको यहां पे देखने को मिले ठीक है ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो मेन कॉन्सेप्ट आपका जो सब्सटियल रिस्क और रिवार्ड ट्रांसफर होना इस एक लाइन में अगर समराइज किया जाए तो हर एक चीज उसी उसी कॉन्सेप्ट से निकल के आ रही है है ना वहीं से चीजें पता चल रही है कि ये आपका फाइनेंस लीज होगा या ऑपरेटिंग

के मार्जिन कमा रहा है या लेसर जो है वो एक प्रकार से फाइनेंसिंग अरेंजमेंट आपको दे रहा है जहां पे वो असेट्स आपको बेच दे रहा है सब्सटेंस के अंदर और बेचने के बाद में जो आपसे पैसा मिलने वाला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस पर ब्याज कमा रहा है सो so, देखिएगा आपकी जो इंटरेस्ट रेट है या फिर जो इनकम की जो आपकी रेट बन रही है इफेक्टिव जो आपकी इनकम रिकग्निशन की जो रेट बन रही है वो क्या है जैसे कि सपोज करिए आपकी लीज की इंप्लीसिट रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 11% है सो so 11% रिप्रेजेंटिंग व्हाट वेदर इट इज अ कॉस्ट ऑफ बोरोविंग मतलब अगर आप इस एसेट्स को मतलब लेसी यदि इस एसेट्स को बोरो करके खरीदता तो उसके पास में वो एसेट्स 11 12% पे वो लोन उठाता बाजार से और एसेट्स खरीद लेता तो कहने का मतलब एक प्रकार का फाइनेंसिंग अरेंजमेंट हो गया लेकिन यदि आप लेसी से जो रेंट चार्ज कर रहे हो उसमें सिर्फ रेंट का ही मार्जिन दिख रहा है जैसे सपोज करिए रेंटल मार्जिन जो है दो तीन परसेंट होते हैं तो वो दो तीन परसेंट ही आप कमा रहे हो तो वो डिपिक्ट करेगा कि आप रेंट पे फोकस कर रहे हो रादर देन फाइनेंसिंग अरेंजमेंट के ऊपर तो आपको देखनी है कि इनकम जो है वो कौन सी रेट से निकल रही है कौन सी रेट से जनरेट हो रही है इफ इनकम इज रेप्रेजेंटिंग मार्केट रेट फॉर यूज ऑफ दी एसेट्स तो फिर बाद में वही बात ये आपका रेंट अरेंजमेंट कहलाएगा अदरवाइज ये अगर फाइनेंसिंग रेट है तो फिर बाद में ये आपका फाइनेंस लीज वाला अरेंजमेंट कहलाएगा ठीक है दूसरी बात इज द एग्जिस्टेंस ऑफ पुट एंड कॉल ऑप्शन अ फीचर ऑफ द लीज फॉर्मूला इंडिकेटिंग और आर दे एक्सरसाइजेबल एट द मार्केट प्राइज एट द टाइम ऑफ द ऑप्शन इज एक्सरसाइज इंडिकेटिंग एन ऑपरेटिंग लीज सो बेसिकली इसके बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि देखिए कोई ऑप्शन वगैरह है तो ये ऑप्शन पहले ही प्री डिटरमाइंड होना चाहिए इसका प्राइस इसका फॉर्मूला तो ये फाइनेंस लीज हो जाएगा लेकिन यदि ये मार्केट प्राइस के ऊपर निर्भर करता है तो फिर बाद में किसी भी प्रकार से ये ये फाइनेंस लीज लीज नहीं है ये है ऑपरेटिंग तो यहां पर इन्होंने कह दिया कुछ एडिशनल फैक्टर्स इन्होंने यहां पे ज्ञान दिए एस नाइनटीन में इनके ऊपर ऐसा कुछ ऐसे कोई फोकस नहीं था बट यहां पर कुछ इतनी बातें भी और आपको बता दी तो ले देखे दोस्तों हुआ क्या इस वाले पॉइंट में भी यही हुआ कि आपको सबस्टैंड में यह देखना है कि जो भी कॉल पुट ऑप्शन लिखे गए हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो ऑप्शन जो है वो सबसे पहले इंसेप्शन के डेट आपको चेक करना है कि वो एक्सरसाइजेबल है या नहीं है और दूसरी बात यह कि अमाउंट पहले से ही फिक्स होना चाहिए ऐसे नहीं कि उस दिन जो भी मार्केट प्राइस होगा उस प्राइस पे ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा फिर तो वो कोई ऑप्शन हुआ ही नहीं ना है ना कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में रहकर Uh, यदि आप प्राइस लॉक करवा लेते हो पहले से ही या तो बीइंग अ लेसर मेरे पास में इस असेट्स को कॉल करने का अधिकार है मैं आपसे कभी भी ये असेट्स वापस मंगवा सकता हूं आपको मुझे ही मेरी एसेट्स वापस लौटानी पड़ेगी बीइंग अ लेसी आप मेरे को ये एसेट्स कभी भी छोड़ के चले जा सकते हो ठीक है आप जब भी मन करे आपका जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है आप इसको पुट करके जा सकते हो जो कि हमने लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी इनके बारे में समझा था तो कहने का मतलब ये कॉल और पुट जो भी है दोनों साइड से पहले से ही प्री डिटरमाइंड और प्राइस फॉर्मूले के बेसिस पर फिक्स हो जाने चाहिए अदरवाइज बाद में कल को आप आके बोलोगे कि सर आप इस को ले लीजिए तो अब ले लीजिए तो इसका मतलब आज जो मार्केट प्राइस होगा उसके ऊपर लेना है तो फिर बाद में वो कॉल पुट ऑप्शन काम का ही क्या रहा है ना तो पहले से वो फिक्स होगा तब तो ठीक तो है अदरवाइज वो फिर ऑपरेटिंग लीज की तरफ ही इंडिकेट करेगा आपके कॉन्ट्रैक्ट को ठीक है ना चलिए फिर बाद में आता है लैंड और बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग के लिए बेसिकली दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है एंटिटीज को कि इसके बारे में मैं समझा ही देता हूं आपको बहुत ही सिंपल सा डिस्कशन है कि लैंड बिल्डिंग में क्या होता है ना जब एक साथ लैंड बिल्डिंग की लीज करी जाती है तो आपको आ, देखने को मिलेगा कि लैंड की लाइफ जो तो है वो तो है अनलिमिटेड है ना तो लैंड की लाइफ को अगर ध्यान में लगा के बैठेंगे तो ये वाला फैक्टर तो कभी अपना कहते हैं कि पूरा होगा ही नहीं कौन सा वाला लीज टर्म वाला देखिएगा क्या कहता है सबस्टैंशली मेजर पार्ट जो है इकोनॉमिक लाइफ का वो पूरा हो जाना चाहिए लीज़ लीज़ कॉन्ट्रैक्ट में तो का तो का कोई इकोनॉमिक लाइफ नहीं सकते ना लैंड का लाइफ तो इनडिटरमाइनेबल है तो जब लीज का लैंड uh, के लीज का लाइफ जब इनडिटरमाइनेबल है तो उसका तो कोई भी लीज फाइनेंस लीज बन नहीं सकता अगर लैंड के लीज की बात करें तो सारे के सारे ऑपरेटिंग लीज ही होंगे चाहे वो हजार साल का ही लीज क्यों ना हो है ना क्योंकि अल्टीमेटली जो लैंड का लीज बनेगा उसका इकोनॉमिक लाइफ आप नहीं निकाल सकते क्योंकि वो अनंत होता है इनफाइनाइट होता है तो जो भी लाइफ होगा वो कभी भी उसके मेजर पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो अब ये चीज आपको दिक्कत तब देगी केवल लैंड की लीज होगी तब तो चलो ठीक है समझ में आ गया कि चलो हाँ भाई रेंट आ रहा है फाइनेंस लीज कभी नहीं होगी केवल सिंपल लैंड की लीज फाइनेंस लीज नहीं होगी ऑपरेटिंग लीज होगी वो किसके किसके बुक्स के अंदर सिर्फ लेसर के बुक्स के अंदर वहीं अगर लैंड की लीज भी है और आप लेसी हो तो राइट ऑफ यूज लैंड बुक करना पड़ेगा वहां पे फाइनेंस ऑपरेटिंग नहीं चलेगा है ना तो ये वाली बात है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि लैंड और बिल्डिंग एक साथ आप लीज पे चढ़ा रहे हो अब क्या करेंगे तो ये कहता है सीधी बात है कि आपको इनको सेपरेटली असेस करके चलना है सबसे पहली बात अगर आप इनको सेपरेटली असेस कर सको तो बहुत बढ़िया बात है ठीक है और दोनों का फिर अकॉर्डिंगली फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर लेना बिल्डिंग को देख लेना कि फाइनेंस और ऑपरेटिंग है लैंड को देख लेना कि आपका ऑपरेटिंग है कि नहीं है ठीक है Having fact, ट लैंड नॉर्मली हैज एन इनडेफिनेट इकोनॉमिक लाइफ ये हमको ध्यान में रखना पड़ता है और ये वाली बात दोस्तों आपको बताने के लिए जरूरत भी नहीं रहेगी क्योंकि सबको पता है कि लैंड का इनडेफिनेट इकोमिक लाइफ होता है लैंड एंड बिल्डिंग एलिमेंट इन प्रपोर्शन टू द रिलेटिव फेयर वैल्यू जो भी लैंड की फेयर वैल्यू होगी और जो बिल्डिंग की फेयर वैल्यू होगी उसमें लीज पेमेंट्स को अपोर्शन कर दिया जाएगा जैसे मान लीजिए आपका एक कॉन्ट्रैक्ट में लैंड है उसकी कीमत है दस हजार और बिल्डिंग है लेट से उसकी कीमत है मान लो वन लैख नाइंटी थाउजेंड ठीक है तो ये इनका फेयर वैल्यू रेशियो हो गया टेन टेन थाउजेंड रेशियो वन लैख नाइन्टी थाउजेंड मान लीजिए आप लीज रेंट हर महीने पंद्रह हजार चार्ज कर रहे हैं तो फिफ्टीन थाउजेंड के लीज रेंट का बाइफरकेटिव आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा 15,000 एलोकेट करना, 15 करना है फिर लैंड के लीज रेंट को आप लीज मान लेंगे बुक करनी है बिल्डिंग की जो भी आपकी रेंट यहाँ पे अपोर्शन आएगी उसको आपको या तो ऑपरेटिंग लीज मानना है या फाइनेंस लीज मानना है बेस्ड ऑन द्लासिफिकेशन समझ में आगे ना बात आपको ये तो तब होगा जब आप इसको क्या कर सकते हो अलग अलग कर सकते हो क्या कर सकते हो अलग अलग कर सकते हो ठीक है ना लेकिन अगर हम इसको मान लो अलग ना कर सके तो तो उसके लिए ये कहता है फॉर अ लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ये तो इम वाला आ गया अच्छा चलो यहीं पे पढ़ देते हैं इसी के अंदर लिखा हुआ रहेगा कि अगर अपन अलग अलग वैसे आपको बता देता हूँ समरी देखिए अगर अपन अलग अलग ना भी कर पाए है ना लैंड और बिल्डिंग के फेयर वैल्यू अलग अलग नहीं निकाले जा सकते मान लीजिए कोई ऐसी जगह पे लैंड और बिल्डिंग आपका सिचुएटेड है जहां पे इन दोनों को अलग करना अलग फेयर वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर दोस्तों फिर पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका बिल्डिंग के क्लासिफिकेशन पे चलेगा बिल्डिंग का जिस प्रकार से आप क्लासिफिकेशन करेंगे यानी बिल्डिंग का जो भी लीज का नेचर आएगा ना वही आपके लैंड का भी आ जाएगा समझ रहे हो मेरी बात तो देखिए कहता है लेसर अलोकेट्स लीज पेमेंट्स बिटवीन द लैंड एंड बिल्डिंग एलिमेंट इन प्रोपोर्शन टू द रिलेटिव फेयर वैल्यू ऑफ द लीज होल्ड इंटरेस्ट इन द लैंड एलिमेंट एंड बिल्डिंग एलिमेंट ऑफ द लीज एट द इंसेप्शन डेट ठीक है इफ द लीज पेमेंट्स कैन नॉट बी एलोकेटेड रिलायबली बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स द एंटायर लीज इज क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज अनलेस इट इज क्लियर दैट बोथ एलिमेंट्स आर ऑपरेटिंग लीज ठीक है ना तो बिल्डिंग के बेसिस पे आपको काम करना है सारी की सारी लीज आपकी फाइनेंस लीज कहलाएगी अनलेस ये क्लियर ना हो कि बोथ एलिमेंट आपके ऑपरेटिंग लीज पे है। तो वही वाली बात हो गई ना कहने का मतलब डिसीजन तो बिल्डिंग के बेसिस पर लिया जाएगा लैंड का तो आप करेंगे क्या इन विच केस एंटायर लीज इज क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग लीज तो कहने का मतलब इन लास्ट दो लाइन का समरी ये हुआ कि अब आपको लैंड के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेना है बिल्डिंग को चेक कर लो फाइनेंस लीज है तो पूरा लैंड बिल्डिंग फाइनेंस लीज ही क्लासिफाई हो जाएगा ऑपरेटिंग लीज है तो पूरा लैंड और बिल्डिंग ऑपरेटिंग लीज़ ही क्लासिफाई हो जाएगा अब आगे की बात आती है कि ऐसा लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स इन विच द अमाउंट फॉर द लैंड एलिमेंट इज इम ये है इंपॉर्टेंट चीज यानी आप अलग अलग तो कर सकते हो लेकिन लैंड का अमाउंट इम है टू द लीज एंड ट्रीट द लैंड एंड बिल्डिंगलिट फॉर दर्पज ऑफ लीज ऐसा कब होता है देखिये दोस्तों ये कुछ अपने जो अर्बन एरियाज होते हैं ना मतलब जो द, मतलब जहाँ पे बहुत ही रिमोट एरियाज हैं डेवलपिंग स्टेज पे नहीं है वो वहाँ पे जमीन बड़ी सस्ती मिल जाती है जैसे सपोज करिए कि जहाँ पे कोई है ही नहीं बस्ती ही नहीं है, है ना जहाँ पे कोई रहता ही नहीं है मान लीजिए वहां पर अगर आप गवर्नमेंट से कोई लैंड लेते हैं गवर्नमेंट आपको मान लीजिए एलोकेट करती है तो बहुत सस्ते दाम पर आपको लैंड मिल जाएगी ठीक है अब लैंड आपको लेट से मिल गई पचास हजार रुपए में बट बहुत बड़ी से बड़ी लैंड मिल गई आपको और उस पचास हजार की लैंड पर आपने पांच सौ करोड़ की बिल्डिंग बना दी कोई फैक्ट्री बना दी बड़ी सार की तो बताइए वो फैक्ट्री की वैल्यू है पांच सौ करोड़ रुपए उसमें वो पचास हजार वाली लैंड है या दस लाख की भी लैंड है है ना दस लाख में तो आजकल बहुत बड़े से बड़े खेत मिल जाते हैं मतलब अगर रिमोट एरिया की बात करें तो तो कहने का मतलब करोड़ों अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है उसमें बहुत लैंड का कॉस्टिंग इम मटीरियल है तो फिर बाद में आपको क्या है ना सोचना नहीं है इतना नहीं सोचना है लैंड का क्या करेंगे सर बिल्डिंग का क्या करेंगे एक मटीरियल नाम की भी चीज होती है अकाउंट्स में वो जब भी बीच में आती है तो आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट धरे के धरे रह जाते हैं और मटीरियलिटी हर चीज को ओवर करते हुए आगे निकल जाती है तो कहने का मतलब अगर लैंड एलिमेंट इन मटीरियल है तो डिसीजन फिर आपको लैंड बेसिस पे करना ही नहीं है सारा डिसीजन उसके ऊपर खड़े गए खड़े किए गए स्ट्रक्चर पर लिया जाएगा ठीक है आप उसे सिंगल यूनिट मानेंगे और फॉर द पर्पज ऑफ लीज क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफाई इट या तो फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज इन सच अ लेसर रिगार्ड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द बिल्डिंग्स एज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एंटायर अंडरलाइन एसेट तो आपको बिल्डिंग की लाइफ को मानते हुए जा सकते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है अगर लैंड एंड बिल्डिंग सेपरेट नहीं किए जा सकते तो या तो वो फाइनेंस होगा या ऑपरेटिंग होगा सिंगल क्लासिफिकेशन ही होगा दोनों का ही लैंड एंड बिल्डिंग का अच्छा लैंड बिल्डिंग में लैंड यदि इम मटीरियल है तो क्या करेंगे इम मटीरियल है तो फिर फिर से आपको बिल्डिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है कंसिडर करना है

एक्सपेक्टेड कहता है मैं आपको 10 दूंगा। में आप दस हजार तो आप दूंगा लेकिन आपको पता है मार्केट में भी नहीं बिकेगा तो आप ले वाले गारंटेड रेजिडल वैल्यू कंसिडर करेंगे UGRV, ये सारे के सारे हमने एक बार पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर लिया था दोस्तों फिर से रिविजन ही हो रहा है इन चीजों का क्योंकि मैंने आपको बताया था अच्छे से कि जी क्या होता है और UGRV क्या होता है।, जी है क्योंकि लेसर को तो अपने टोटल अमाउंट के रियलाइजेशन से मतलब है रादर देन गारंटी है या अनगारंटी है मैटर सो लिखते हैं ये लोग रेजिड्यूबल वैल्यू गारंटी ठीक है ना तो ये भी आपकी लीज क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में शामिल करी जाएगी इन इवेल्यूएटिंग इंडिया इन द ऑल टेस्ट दैट इज द देशन आरवी जी प्रोवाइडेड बाई बोथ लेसी एंड एनी अदर थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर अनिलेटेड टू लेसर ठीक है क्योंकि लेसी और लेसर तो रिलेटेड हो गए अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई थर्ड पार्टी भी आकर आपको ये गारंटी दे सकता है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब यहां पे आता है ऑफ ऑफ लीज लीज क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन सर ये री क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ देखिए दोस्तों जैसे हम लोग के के बुक्स के अंदर री रीमेजरमेंट का टॉपिक पढ़े थे तो जाहिर सी बात है लेसर के बुक्स को भी इंपेक्ट तो वो करेगी अब रीअसेसमेंट ऑफ लीज क्लासिफिकेशन इस कॉन्सेप्ट की जरूरत तब पड़ेगी जब आप अपनी वही बात है लीज टर्म्स एंड कंडीशन को रिवाइज किया मॉडिफिकेशन हुआ तो मॉडिफिकेशन से सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट आया है क्या सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट आया तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है सेपरेट अकाउंटिंग कर देनी है लेकिन दिक्कत तो तब होगी जब स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से नहीं हो रहे लीज रेंटल और सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है है ना कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है आपका पुराना वाला ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसी में मॉडिफिकेशन कर रहे हो टर्म्स एंड कंडीशन बदली जा रही है जो इंसेप्शन पे नहीं थी अब आप उसको क्या कर रहे हो इनकॉर्पोरेट कर रहे हो रीमेजर करेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो लीज के अंदर इंपॉर्टेंट है लीज टर्म हो गया स्कोप हो गया है ना तो ये सब चीजों में ऊपर नीचे जब भी काम होता है तो सीधी बात है आपको दोबारा से फिर से आपको सारी चीजें रिपरफॉर्म करनी पड़ती है तो यहां पर लीज क्लासिफिकेशन को आपको फिर से टेस्ट करना पड़ेगा जब आपकी नियम शर्तें बदली जाएगी तो हो सकता है जो पहले फाइनेंस लीज थी अब वो ऑपरेटिंग हो जाए और जो पहले ऑपरेटिंग थी वो अब फाइनेंस हो जाए तो ऐसा कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकता है तो देखिए कहता है ओनली इफ देर इज अज मोडिफिकेशन सो देंज इन द स्कोप ऑफ अकोप अप साइड और डाउन दोनों साइड हो सकता है और द a फॉर that was नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीज है ना तो ये वो फैक्टर्स जिनमें बदलाव होगा तो मॉडिफिकेशन होगा और मॉडिफिकेशन से कहता है लेसर्स रीअसेस लीज क्लासिफिकेशन एज एट द इफेक्टिव डेट ऑफ द मॉडिफिकेशन और इफेक्टिव डेट ऑफ मॉडिफिकेशन क्या होता है दोनों पार्टी अग्री कर लेते हैं उसके बाद में सो यूजिंग द मॉडिफाइड कंडीशन एट दैट डेट और आपको उस समय इनकॉर्पोरेट करना अपने में, lease, as तो देखे, है तो ऑल टूगेदर इसकी अकाउंटिंग भी अलग से होगी क्लासिफिकेशन भी इसका अलग से ही हो जाएगा ये तो एकदम इनिशियल लीज के जैसे ही हो जाएगी तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं तो की कॉन्सेप्ट अप्लाइड बाई द लेसर तो अब ये तो मैं आपको बाद में बताता हूं इसके पहले इसको समअप कर देता हूं मैं इसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है अपने को जो हमने पहले पढ़ लिया है लेसी के बुक्स के अंदर मॉडिफिकेशन वो सारी की सारी चीजें आपको यहीं पे देखने को मिलती है बस द मेन थिंग इज दैट आपको जब नया कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा तब तो सेपरेट क्लासिफिकेशन उसका हो ही जाएगा लेकिन <coughs> सॉरी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को आपको असेस करना पड़ेगा दोबारा से फिर से वही देखना पड़ेगा कि अब बचे हुए लीज लीज टर्म के अंदर जो पेमेंट आ रहा है क्या वो आज की फेयर वैल्यू के बराबर है कि नहीं है ठीक है अब आपकी कितनी लाइफ बची है तो कहने का मतलब वो सारे इंडिकेटर्स को वापस से रीटेस्ट करो रीपरफॉर्म करो और पता लगाओ कि अब बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस लीज ही है या वो ऑपरेटिंग लीज होगा तो अर्थवाइल भले ही चाहे उसका क्लासिफिकेशन कोई भी क्यों ना हो. तो आपको उसका रीअसेसमेंट जो है वो करना की लीज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आप लीज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो तो बिकॉज ऑफ आप लीज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए तो उस एसेट से आने वाले जितना भी अमाउंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू मत करिएगा उसको एक साथ जोड़ दीजिए जैसे कि आपको क्या क्या मिलता है लेसी से जो जो चीजें मिलती है वो तो आपको फिक्स मिलती है इसका प्रेजेंट वैल्यू मत निकालिए इसका सम टोटल कर लीजिए फिर इसमें जोड़ दीजिए जो लेसी से चीज नहीं मिल रही है आपको लेसी से क्या नहीं मिलती है अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू और इन सब का जो सम टोटल होगा उसको हम कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज देखिए लिखा हुआ यहां पे इज द सम टोटल ऑफ लीज पेमेंट रिसीवेबल बाई अ लेसर अंडर फाइनेंस लीज तो लीज uh, पेमेंट जाहिर सी बात है लेस ही देगा और तो कोई देगा क्यों और दूसरी बात इसमें जो जोड़ा जाता है वो है अनगारंटेड रेजिटेबल वैल्यू अक्रूविंग टू द लेसर एट द एंड ऑफ लीज टर्म यानी से मिलेगा वो भी और जो लेसी से नहीं मिलेगा वो भी हमारे लीज का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है सर इसमें ये दूसरा वाला पार्ट क्यों जोड़ते हैं जब आप कहते हो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज तो वाई आर यू एडिंग दिस पॉइंट नंबर बी क्योंकि ये अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू लेस ही तो नहीं देगा तो फिर इसको अपन यहां पे क्यों जोड़ देते हैं तो देखिए दोस्तों यहां पे क्या है ना आप लीज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए बिकॉज ऑफ विच यू आर गेटिंग लीज पेमेंट एंड गारंटेड रेजिडल वैल्यू और लीज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से ही अब आपका जो असेट्स लास्ट में आपके पास जो बचेगा आप उसे बाजार में कितने में बेचेंगे ठीक है सो दैट इज योर बट द मेन थिंग इज चीज़ आपने लीज पे चढ़ाई है इसीलिए आपको रेजिडुअल वैल्यू अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से उसकी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से लास्ट में जाकर बाजार में देखने को मिलेगी सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन पार्टी दैट

तो उसकी एंट्री क्या होगी उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा उसको जानने के लिए ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट समझना बहुत जरूरी है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब जितना भी कैश फ्लो आने वाला है उसको एज इट इज सम टोटल कर लीजिए उसको ग्रॉस कहते हैं और नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब यह होता है कि जो आपने ग्रॉस किया उसकी सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए उसको हम नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं और इन दोनों के बीच के अंतर को अर्ण अर्ण फाइनेंस इनकम कहा जाता था जो यहां पे नहीं बता रखा है है ना 19 में ये तीन चीजें सीखी थी अपन ने एक तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है लेसी जो भी आपको पैसा देगा लेसी के लीज पेमेंट प्लस गारंटेड रेजिडबल वैल्यू प्लस

पढ़ तो लिया लेसर के बुक्स में फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होगा अब अकाउंटिंग एंट्री की भी बात करते हैं तो कहता है स्टैंडर्ड करना है कमेंसमेंट डेट नॉट ऑन द डेट ऑफ देखिए दो चीजें दो डेट होती है लीज के कॉन्ट्रैक्ट में इंसेप्शन और कमेंसमेंट दोनों पार्टी कमेंसमेंट के दिन ही अकाउंटिंग करते हैं अकाउंटिंग एंट्री कमेंसमेंट के दिन ही डाली जाती है इंसेप्शन भले ही चाहे पहले क्यों ना

इसी को यहां पर इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि आपको अकाउंटिंग में फाइनेंस की अकाउंटिंग में क्या करना है कि जिस असेट्स को आप लीज पे चढ़ा रहे हो उस assets को आप अकोगनाइज करें ध्यान रखिए अकाउंटिंग फाइनेंस लीज के बारे में हो रही है ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग अलग से पढ़ेंगे है ना तो बिकॉज फाइनेंस लीज का मतलब क्या हो गया इसको अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये एक प्रकार से असेट्स आपने बेच दिया है किस्तों पर इस असेट्स को सेल कर दिया जैसे हायर परचेज पे सेल नहीं करते वैसे ही आपने सेल कर दिया आप वेंडर हैं है ना और बीइंग अ वेंडर आपने अपने एसेट्स को क्या कर दिया है इंस्टॉलमेंट पेमेंट पर चढ़ाकर बेच दिया है एक प्रकार से तो आप अपनी अंडरलाइंग डी रेकग्नाइज करेंगे और ये लॉजिकल भी है क्योंकि जिस चीज पर आपने सारे रिस्क रिवार्ड सब्सटानशियल रिस्क रिवार्ड ट्रांसफर कर दिए वो असेट अब आपकी कहां रही उसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी वही जो लेसी है वो यूज ले रहा है तो ये एसेट्स तो उसके बुक बुक्स में दिखना चाहिए आपके बुक्स में क्या काम का एसेट्स अपने बुक से हटाइए दैट कि आप इसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे आप इसको क्रेडिट करेंगे अपने बुक्स के अंदर ठीक है फिर रिकॉग्नाइज द नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज और आप पता है लेसर बीइंग अ लेसर आप लेसी को डेबिट नहीं करेंगे यू हैव टू मेक श्योर आप लेसी को डेबिट नहीं करेंगे इसलिए मैं लेसी लिखकर इस चीज को क्रॉस कर रहा हूं क्योंकि जो लेसी होता है हां लेसी जो होता है बराबर एक तो नाम बड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं है ना तो जो लेसी होता है ना वो अपने बुक्स में क्या यूज करेगा आर ओ यू एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी लेसर के लिए क्योंकि उसको तो लेसर को ही पेमेंट करना है लेकिन यहां पर जो हम डेबिट करेंगे वो लेसर अकाउंट डेबिट नहीं होगा रादर देन हम एक अकाउंट खोलेंगे जिस अकाउंट का नाम क्या होगा नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज अकाउंट डेबिट रीजन क्या है क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज रेप्रेजेंट रेप्रेजेंट पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम पेमेंट फ्रॉम लेसी लेसी से भी पेमेंट आएगा और देखिए अनगारंटेड रेजिटेबल वैल्यू जो है वो भी इसमें शामिल होती है सिंस यूजीआर भी, भी इसमें शामिल होती है इसलिए हम केवल लेसर को डेबिट नहीं कर सकते इसलिए यहां पर एक अलग से नया अकाउंट ओपन किया जाता है जिसका नाम होता है नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज अकाउंट तो इसे डेबिट किया जाएगा दोस्तों ठीक है इसे क्या किया जाएगा डेबिट किया जाएगा इस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा ठीक है और सीधी बात है ये जब दोनों अमाउंट टैली नहीं होंगे तो कोई भी इनमें डिफरेंस आ रहा है वो आपका क्या कहलाया जाएगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इसे सेलिंग प्रॉफिट और सेलिंग लॉस के नाम से भी आप यहां पर समझ कर चलेंगे इसके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आएगा तो इसको या तो क्रेडिट या फिर डेबिट कुछ भी किया जा सकता है एज द केस में भी तो यहां पर आगे चलकर मतलब इनफैक्ट अभी आने वाला है वो केस जिसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर क्या नाम हो गया मैन्यूफेक्चरर और डीलर लेसर सम्स क्या होता है दोस्तों कि uh, मैं खुद वो एसेट्स प्रोड्यूस करता हूं एंड देन लीज के ऊपर चढ़ाता हूं जैसे मेरा काम ही यही है मैं प्लांट मशीनरी बनाकर उसको लीज पे चढ़ा देता हूं तो प्लांट मशीनरी मैं कैश सेगमेंट में भी बेचता हूं लीज सेगमेंट में भी बेचता हूं अलग अलग प्रकार के बिजनेस है मेरे तो वट इज द स्टेटस ऑफ लेसर ओवर हेयर इज द मैन्युफैक्चरर या फिर डीलर लेसर डीलर लेसर का मतलब मैं बनाता नहीं हूं बट मैं खरीदता हूं और भाड़े पे चढ़ा देता हूं लीज पे चढ़ा देता हूं तो मैं डीलर हो गया उस चीज का तो आई कैन बी मतलब बीइंग अ अ लेसर लेसर आई कैन बी मैन्युफैक्चरर एज एज वेल डीलर तो उस कंडीशन में मुझे सेल ट्रांजेक्शन पर सेल्स के प्रॉफिट भी मिल देखने को मिल सकते हैं और कई बार ऐसा होता है जैसे सपोज करिए ये कैलकुलेटर है अब कैलकुलेटर ना तो मैं मैन्युफैक्चरर हूं कैलकुलेटर का ना ही मैं कैलकुलेटर का डीलर हूं बट क्या मैं इस कैलकुलेटर को लीज पे दे सकता हूं बिल्कुल दे सकता हूं एक बार वो की बात बीच गया। तो, मैं कह रहा हूं आपको, ये ना तो मैं बना रहा हूं तो फिर भी उस कंडीशन में डीलर लेसर नहीं रहूंगा मैं नॉर्मल लेसर रहूंगा तो बात यह हो गई कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको डिफ्रेंशिएट करने को बोलेगा कि लेसर अगर मैन्युफैक्चरर और डीलर है तो उसको सेलिंग प्रॉफिट और सेलिंग लॉस होगा लेकिन वो नॉर्मल लेसर है तो उसको सिर्फ प्रॉफिट लॉस होगा ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्रॉफिट मतलब यहां पे मैं आपको इसको लिखता हूं सेलिंग प्रॉफिट लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों में क्या डिफरेंस वही डिफरेंस है जो असेट्स के सेल पर जनरेट होता है और दूसरा स्टॉक के सेल पे जनरेट होता है है ना इसको साधारण शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है यानी आप स्टॉक बेचकर क्या कमाते हो विक्रय करते हो आप अपने स्टॉक का तो आप क्या कमाते हो आप जीपी कमाते हो ग्रॉस मार्जिन कमाते हो फिर वो नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है तो सेल्स पर होने वाले प्रॉफिट आपके सेलिंग प्रॉफिट है वहीं असेट्स को बेचकर जो प्रॉफिट आप कमाते हो वो सेल का पार्ट नहीं होता वो रेवेन्यू में भी नहीं जुड़ता रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं जुड़ता वो अदर इनकम में आता है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहां पे दिखाया जाता है प्रॉफिट लॉस में में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिखाया जाता ना अदर इनकम में दिखाया जाता है तो कहने का मतलब यहां पर आपको ये दोनों वैरायटी के लेसर मिलेंगे एक वो लेसर जिसका तो धंधा ही यही है है ना वो अपने स्टॉक को भाड़े पे चढ़ा देता है और एक वो प्रकार के लेसर जो अपने एसेट्स को कहां पे चढ़ा देते हैं हैं लीज पे चढ़ा देते तो नॉर्मल लोग का जो प्रॉफिट लॉस होगा वो अलग है स्टॉक वालों का प्रॉफिट लॉस होगा वो अलग है क्योंकि स्टॉक वालों का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो रेवेन्यू का भी पार्ट बनेगा तो यहां पर रेवेन्यू भी आपकी हिट होगी माय डियर फ्रेंड्स अब इसके बारे में बात करेंगे अपने लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा ये है ना अभी के लिए कॉन्सेप्ट के जो भी राइटअप है एक बार उसको देख लेते हैं चारों तरफ से फिर क्वेश्चन में आते हैं तो देखिए कहता है फॉर अ फाइनेंस लीज अदर देन दोज इनवॉल्विंग मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर अदर देन इन्वॉल्विंग मैन्युफैक्चर और डीलर लेसर यानी फाइनेंस लीज के कॉन्ट्रैक्ट में जहां पे मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर नहीं हो उन कॉन्ट्रैक्ट की बात बता रहा है उसमें आपकी लगेगी कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जिसे आपको कैपिटलाइज करना है फाइनेंस लीज रिसीवेबल किसमें फाइनेंस लीज रिसीवेबल में सो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द लीज एंड आर नॉट एडेड सेपरेटली टू द नेट इन्वेस्टमेंट इन एंडलीस ये क्या सर समझ नहीं आया ये वाली क्या बात है देखिए दोस्तों इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है ये तो मैंने आपको प्रीवियस सेगमेंट्स में बताया था कि आईडी से का मतलब क्या होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट है है ना लीज में एंटर होने पर लेट्स से जो भी आपकी ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगी इनका आप लेसी क्या करते थे कैपिटलाइज करते थे यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आपकी लगेगी ये आपके इनिशियल में? में शामिल करी जाएगी और कहता है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो है जो लीज में शामिल करी गई है एंड आर नॉट एडेड सेपरेटली टू द नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज तो इसको सेपरेटली शामिल ना करते हुए क्या किया जाएगा लीज रिसीवेबल की कैलकुलेशन जब हम करेंगे तभी उसके अंदर ही इस चीज को शामिल कर दिया जाएगा थोड़ी क्लैरिटी इस चीज के ऊपर तब आएगी जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे ठीक है अब देखिए क्या होता है आ, जैसे इसका ट्रीटमेंट यहां पे आ गया इसको भी मैं यहां पे समराइज कर देता हूं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ये हो गया आपके अदर देन मैन्युफैक्चरर और अरे अदर देन मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को क्या कहा गया है लीज रिसीवेबल का हिस्सा मानने के लिए कहा गया है मतलब जो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का वैल्यूएशन होगा ना उसमें ही वो आ जाएगा ठीक है अलग से जोड़ने की दरकार नहीं है उसी का हिस्सा है जबकि जब अपन मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की बात करेंगे तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग एक्सपेंस ऑफ करेंगे एक्सपेंस ऑफ मतलब अरे खर्चा होगा ये और क्या पी एन एल में ट्रांसफर किया जाएगा सर ऐसा क्यों क्योंकि देखिए दोस्तों जो कोई आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में किसी भी प्रकार का खर्चा होता है तो वो तो खर्चा खर्चे में ही दिखाया जाएगा ना क्योंकि वो खर्चा आपका बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस एडवर्टीजमेंट किसी भी नेचर का हो सकता है वो पीएनएल में जाएगा लेकिन सर ये जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आपने यहां पे लीज रिसीवेबल में शामिल करने के लिए बोली

स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चर और डीलर लेसर यदि किसी को दे रहा हूं लीज के ऊपर तो उसके ऊपर जो भी मेरा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आ रहा है उसको मुझे क्या करना है दोस्तों लीज रिसीवेबल्स में शामिल करना है यानी लीज से जो भी मुझे प्राप्ति होगी नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज उसके मेजरमेंट में वो शामिल होगा वैल्यूएशन के अंदर अलग से उसको जोड़ा नहीं जाएगा अब देखिए इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा वहीं अगर मैं मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर रहूंगा तो फिर बाद में मुझे इसको खर्चे में दिखाना पड़ेगा देखिए इसका मैन्युफैक्चरर और डीलर वाला हो गया आगे आ जाएगा कहीं ना कहीं लिखा हुआ आ जाएगा आगे अपन पढ़ेंगे ना ऑर्डर वाइज तो ये वाली बात आपको आगे देखने को मिल जाएगी ठीक है कि जो मैन्युफैक्चरर डीलर होते हैं उनके लिए आईडीसी जो होता है वो एक्सपेंस ऑफ किया जाता है ठीक है तो देखिए कहता है नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज लाइबिलिटी इज इनिशियली मेजर्ड एज द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द यूजीआरबी क्योंकि लीज़ पेमेंट का मतलब तो ये होता है कि लीज पेमेंट प्लस जीआरवी तो जीआरवी तो यहां पे आ गई और यूजीआरवी यहां पर आ जाएगी ठीक है तो जब दोनों ही यहां पे आ गए तो जी और यूजीआरवी मिलकर क्या बनते हैं जी आर वी और यूजीआरवी मिलकर क्या बनते हैं एक्सपेक्टेड रेजिबल वैल्यू राइट तो कहने का मतलब जो भी मिलने वाला है लीज में

नहीं कैसी बातें करते हो आप लेसर हो इस समय और लेसर को इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट इन द लीज कैसे नहीं पता हो सकता है क्योंकि वहां पे तो आपने कह दिया सर कि हमें क्या पता लेसर ने इन, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो कितनी इनकर करी होगी अब आपने ही खर्चा किया है आपको ही नहीं पता कि कितना खर्चा हुआ आपका तो आप तो सब जानते हो आपको तो लीज पेमेंट भी पता है कि कितने आपको मिलने वाले हैं ठीक है आपको जी भी पता है आपको यू भी पता है सब पता है आपको कि क्या क्या आने वाला है और आपको इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो आपकी लग गई है वो भी पता है तो भैया सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली नहीं जा सकती क्या बिल्कुल निकाली जा सकती है तो जब सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जा सकती है तो यहां पे ऐसा कोई केस हो ही नहीं सकता कि आप अपनी आई आर आर या इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज आई आई आर बोल दीजिए चाहे इस चीज को आप इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज की आप निकाल ना पाए है ना ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता यहां पर प्लीज ऐसी बातें ना करिए

और एक बार के लिए अभी आपको नहीं समझ में आएगी क्योंकि इसको अपन क्वांटिफाई करेंगे तभी अपन ये बात अच्छे से समझ पाएंगे और मैं नहीं चाहता कि कोई मैं डेमो इलेस्ट्रेशन यहाँ पे बनाऊं और फिर बाद में कराऊं अपने पास में इसका डेडिकेटेड इलेस्ट्रेशन है इनके सब चीजों को समझने के लिए तो वहीं पर मैं ये बात आपको समझा दूंगा कि हाउ द सेलिंग प्रॉफिट और लॉस इज मेजर्ड ठीक है माइंडसेट बस आप यहाँ पे ये बना लीजिए कि देखिए एक नॉर्मल विक्रेता जो होता है वो आ, कैसे सेल्स के ऊपर प्रॉफिट कमाता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखी जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स जिसे अपन कहते हैं उसने सामान कितने में खरीदा सामान कितने में बेचा दोनों का डिफरेंस जो होता है वही आपका प्रॉफिट है वैसे ही यहाँ पे हम कुछ करने वाले हैं ऐसा काम जिससे अपने को पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो कैसे कैलकुलेट होती है और एक बार कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चल गई तो मेरे को सेल वैल्यू तो पता है कि कितने में मैंने उसको बेच दिया है दोनों का डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा है ना अब वही बात है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं इनके लिए कुछ बताएगा तो देखिए दोस्तों कहता है इनिशियल मेजरमेंट मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर जो है कहता है एट द कमेंसमेंट डेट ए मैन्युफेक्चर और डीलर लेसर रेकग्नाइजेस सेलिंग प्रॉफिट और लॉस इन अकॉर्डेंस विद इट्स पॉलिसी फॉर आउटराइट सेल्स टू विच इंडिया वन वन फाइव अप्लाइज देखिए देखिये इंडिया जो अपना स्टैंडर्ड है वो रेवेन्यू से रिलेटेड है तो जैसे कोई कोई भी एंटिटी अगर सामान बेचती है तो जाहिर सी बात है सेल्स के ऊपर हर एंटिटी को प्रॉफिट या फिर लॉस होता है तो यहां पर आप समझिए दोस्तों कि जब भी मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर्स होंगे जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था ना बोइंग एक कंपनी है जो एयरवेज मतलब एयरवे जो है वो मैन्युफैक्चर करता है तो मैंने क्या कहा था पहले ऐसा होता था कि पहले एंटिटी बैंक से पैसा उठाती थी फिर उस पैसे से बोइंग कंपनी से मतलब वो लीज वाले कॉन्ट्रैक्ट करती थी कि आप हमको ये असर्ट्स दे दीजिए मतलब लीज वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं मतलब परचेज बोरो एंड परचेज बैंक से पैसा उठाया फिर परचेज किया तो बोइंग वाली कंपनी ने क्या किया ऐसा बिजनेस मॉडल बना लिया कि बोला कि आप बैंक से लोन क्यों लेते हो ठीक है बैंक आपसे ग्यारह ब्याज ले रही है चलो हम आपसे 10.75 लेते हैं हम आपसे 10.5 लेते हैं हमसे ही ले लो ना लोन है ना तो हम आपको जेट एयर मतलब एयरक्राफ्ट भी दे देंगे एयरबस भी दे देंगे और आप हमसे ही लोन फाइनेंस जो है वो ले लीजिए तो उस कंडीशन में क्या हुआ बोइंग एक मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर बन गए क्योंकि वो बोइंग एयरक्राफ्ट को एयरबस को बनाता है उसको ही लीज पर चढ़ा देता है तो जाहिर सी बात है दो प्रकार के प्रॉफिट होंगे उसको दो प्रकार की इनकम कमाएगा एक सेट्स को बेचने से रिलेटेड मतलब स्टॉक को सेल करने से रिलेटेड ठीक है स्टॉक सेल से जो भी प्रॉफिट होगा दूसरा लीज पे चढ़ाने से फाइनेंस इनकम की प्राप्ति होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि जो लीज पेमेंट है उनमें तो गैप आ गया ना टाइम का तो टाइम के गैप की वजह से जो भी मुझे लीज पेमेंट मिलेंगे उस पर मैं ब्याज कमाऊंगा इंटरेस्ट कमाऊंगा ठीक है तो कहने का मतलब ये कहता है स्टैंडर्ड कि यदि कोई मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर है उसको इमीडिएटली है ना लीज में घुसते ही उसको क्या करना चाहिए सेलिंग प्रॉफिट लॉस तो बुक कर लेना चाहिए अब यहां पे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों बहुत सिंपल और लॉजिकल सी भी बात है आप भी अगर आप अपने एसेट्स एसेट्स को को अगर बेच रहे को बेच रहे रहे हो हो आज यदि आप अपने किस्तों में बेच रहे हो तो उसका सेलिंग प्रॉफिट तो आप आज ही बुक करोगे ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आप बुक करने वाले हो वो क्या बुक करने वाले हो वो तो फाइनेंस इनकम बुक करने वाले हो कि पैसा नहीं मिला बिकॉज ऑफ दैट यू आर रिकॉग्नाइजिंग फाइनेंस इनकम इंटरेस्ट इनकम इन योर बुक्स बट जो बेचने का प्रोसीड है सेलिंग प्रोसीड है ठीक है सेल प्रोसीड जो होता है आपका और जो कॉस्ट ऑफ सेल है दोनों का डिफरेंस है, जीपी मतलब है, है तो तो राइट, राइट तो बहुत यही वाली बात है यहां पे कहता है पर एक और को क्या क्या रेकग्नाइज करना चाहिए कहता है एक तो फेयर वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एज रेवेन्यू है ना? इन सारे कॉम्पोनेंट को देखिए दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि तो क्वेश्चन में अपन सब चीजों को अप्लाई करेंगे तब मैं आपसे ही पूछूंगा कि क्या होना चाहिए तो देखिए क्या क्या करेगा फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एज रेवेन्यू यानी जो भी फेयर वैल्यू आज अंडरलाइंग है उसे मैं रेवेन्यू बुक कर लू और वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट डिस्काउंटेड यूजिंग अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर कुछ याद आ रहा है आईपीसीसी में ऐसा कुछ पढ़ा था एसेट्स का फेयर वैल्यू है हंड्रेड और इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो भी अमाउंट मिलने वाला है लेट से आपको जो अमाउंट मिलने वाला है उसकी वैल्यू है 130. ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई कोई डिस्काउंटिंग नहीं करी है जैसे बीस 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 रुपए का रेंटल आपको मिल रहा है लेट से इसको मैं एक सौ चालीस कर देता हूं है ना तो बीस रुपए की सात इंस्टॉलमेंट मिलेगी आपको कितने रुपए हो गए एक सौ चालीस रुपये ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया जब आप इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ठीक है अपनी रेट के बेसिस पर फाइनेंस रेट के बेसिस पर तो लेट से इसका प्रेजेंट वैल्यू आता है एटी नाइन नाइनटी एट या फिर हंड्रेड कुछ भी हो सकता है प्रेजेंट वैल्यू इसका सौ के बराबर भी हो सकता है तो सौ के आसपास भी हो सकता है तो ये सेनेट क्या कहता है कि रेवेन्यू बुक करने के लिए आपको या तो ये सौ रुपए की फेयर वैल्यू या ये डिस्काउंट की गई वैल्यू ये दोनों वैल्यू पे फोकस करना है और इन दोनों में से जो कम हो उससे आपको एंट्री पास करना तो एस नाइनटीन में भी ऐसा ही हुआ करता था जब लेसी इनिशियल रिकॉग्निशन करता था ना फाइनेंस लीज के अंदर तो उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया था अब लेसी की बुक से तो वो कॉन्सेप्ट जा चुका है अब लेसर है अब लेसर कैसे बुक करेगा सेलिंग प्रॉफिट लॉस उसके लिए पहला क्राइटेरिया ये एस 19 के जैसा सिमिलर यहां पे दिया गया है दोनों में से जो भी क्या हो लोअर्स या तो फेयर वैल्यू लोअर होनी चाहिए या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट जो है इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उस चीज को हम यहां पर क्या करेंगे रेवेन्यू मानेंगे क्या मानेंगे रेवेन्यू और रेवेन्यू मानने का मतलब ये आपका 115 का एरिया हो गया 116 का एरिया नहीं हुआ ये किसका एरिया हो गया 115 का अच्छा ठीक है सेकंड द कॉस्ट और द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट लेस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू एज कॉस्ट ऑफ सेल ठीक है अब देखिए ये कह रहा है अपनी बैलेंस शीट में कोई भी एसेट्स है आपका एसेट साइड में कोई भी एसेट्स है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसका कैरिंग अमाउंट मान लीजिए सौ रुपए है ठीक है अब ये क्या रहा है यू जी आर वी अनगारंटेड रेजिडल वैल्यू जो अनगारंटेड रेजिडल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू जो भी है इसका उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे आप लेट्स से कि यू जी आर वी जो है वो इसका फाइव है और इसका प्रेजेंट वैल्यू आता है फोर तो हंड्रेड माइनस फोर दैट इज नाइंटी सिक्स रुपीज ये नाइनटी सिक्स रुपीज को आपको क्या बना देना है कॉस्ट ऑफ सेल बना देना है क्या बना देना है कॉस्ट ऑफ सेल ये नाइनटी सिक्स रुपीज को आपको कॉस्ट ऑफ सेल बना देना सर ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है समझ नहीं आ रहा क्या है ये मतलब बैलेंस शीट में जो एसेट्स है सौ रुपए का उसमें से क्या माइनस कर दूं जो भी उसकी रेजिडुअल वैल्यू अनगारंटेड होगी वो है ना यानी जो थर्ड पार्टी इसको कमिट करने की बात कर रहे हैं या थर्ड पार्टी से एक्सपेक्टेड है ठीक है जो नाइन सॉरी फाइव रुपीज है तो वैसे देखा जाए बट वो टाइम स्केल पर दूर के प्लेटफॉर्म पे है तो उसको आज अगर प्रेजेंट वैल्यू लेकर आए तो उसकी वैल्यू चार रुपए निकलती है तो नाइनटी सिक्स रुपीज इस अट्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स बना दिया जाएगा तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर इसको इतने रुपए को बना दिया जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे सेलिंग प्रॉफिट और लॉस इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी फॉर आउटराइट सेल अब इन दोनों के डिफरेंस को क्या माना जाएगा सेलिंग प्रॉफिट और लॉस जैसे कि आप कह रहे हो सर कि सेल्स या रेवेन्यू इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हुआ हंड्रेड और कॉस्ट ऑफ सेल्स नाइन्टी सिक्स हुआ ठीक है तो ये जो चार रुपए होगा ना इस चार रुपए को हम कहेंगे सेलिंग पीएड ठीक है इसको हम कहेंगे सेलिंग पीएड अब आपके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे हुआ है ना इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है चलो सेल्स रेवेन्यू हंड्रेड को मान लिया अपन ने ये तो समझ में आ गया क्योंकि ये तो लॉजिकल भी हो गया कि भाई जो एसेट्स आप लीज पे चढ़ा रहे हो राइट Uh, उसका बैलेंस शीट में कैरिंग वैल्यू क्या है बैलेंस शीट में उसका कैरिंग वैल्यू क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट क्या है कि वो एसेट्स कितने का है क्योंकि बैलेंस शीट में कैरिंग वैल्यू हजार रुपए की दस की भी हो सकती है तो रेवेन्यू तो सही बुक नहीं होगी तो रेवेन्यू सही बुक होने के लिए उस एसेट्स की फेयर वैल्यू देखी जाएगी या फिर ये देखा जाएगा कि आपको जो भी मिल रहा है अब मैं 140 को रेवेन्यू नहीं बुक कर सकता अगर 140 को रेवेन्यू बुक कर दिया तो एक दिक्कत हो जाएगी गलत अकाउंटिंग कर बैठूंगा मैं पूरे के पूरे एक तो मैंने रेवेन्यू बुक कर, दिया, तो क्या गलती कर दूंगा सौ रुपया तो अच्छा और चालीस रुपये चालीस रुपए क्या पता है बताइए चालीस रुपये क्या है चालीस रुपए दोस्तों इंटरेस्ट है और आप खुद जानते हो कि हम इंटरेस्ट को रेवेन्यू कैसे दिखा सकते हैं ये तो फाइनेंस कॉम्पोनेट हो गया तो कहने का मतलब रेवेन्यू कंपोनेंट और इंटरेस्ट कंपोनेंट को अलग अलग पहचानना बहुत जरूरी है जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में भी किया करते थे आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेफर्ड कंसिडरेशन पे खरीदा तो प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करते थे पीपीई को बाकी का पूरा का पूरा इंटरेस्ट का खर्चा बुक करते थे वैसे ही यहां पर यदि आपको एक सौ लीज से मिलने वाले हैं तो चालीस एक्स्ट्रा जो कमाई है वो तो फाइनेंस नेचर की कमाई है सेलिंग मतलब सेल्स रेवेन्यू जो है वो तो सिर्फ सौ ही है सौ so, रुपए कैसे आएगा स्टैंडर्ड ने कह दिया दो तरीके बता दिए आज की फेयर वैल्यू देख लो क्योंकि वही बेची जा रही है आज की जो बाजार में फेयर वैल्यू है उसी के तो बेच कर रहे हो ना उसी को तो विक्रय कर रहे हो आप तो वही सेल प्राइस होगा अदरवाइज दूसरी चीज ये कि फेयर वैल्यू में दिक्कत है तो मैं आपको बताता हूं दूसरी चीज ये है कि जितने भी लीज पेमेंट है उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए जितने भी लीज पेमेंट है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए तो देखिए दोस्तों लीज पेमेंट जो है वो आता ही फेयर वैल्यू के बराबर है फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट

उनकी प्रेजेंट वैल्यू अगर अपन निकालते हैं I, I, R, lease, है? तो ये प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर डायरेक्ट कॉस्ट इनक लेके बराबर होती है ठीक है।, है ना तो यही इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज कहलाती है तो कहने का मतलब यही वाली बात हो गई ना यहां पर आपको सेल्स का प्रॉफिट उतना ही बुक करना है जितना की फेयर वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू इन दोनों में से जो लोअर हो और आपका जो भी कैरिंग अमाउंट बुक्स बुक्स के के अंदर है। के अंदर है कैरिंग ओवर स्टेटेड हुआ तो लॉस दिखाया अंडर स्टेटेड हुआ तो प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा है ना तो ये वाली बात है ठीक है चलिए इसका प्रैक्टिकल जो है वो ड्यू है अपना सारा का सारा क्वेश्चन करेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा आगे कहता है एट द कमेंसमेंट डेट मैन्युफैक्चर और डीलर लेसर सेलिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन फाइनेंस रिगार्डलेस ऑफ वेदर द लेसर ट्रांसफर द अंडरलाइंगाइब्ड अंडर दोस्तों मैं आपको इस स्टैंडर्ड से कहता है ना वो कि पेंडिंग ही रखने वाला हूं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि दिस इज दन वन, वन फाइव है ना ये काम ये सेलिंग प्रॉफिट जो लॉस आपने निकाला ना ये आपको निकालना ही है कुछ इसमें दिक्कत है जो वन वन फाइव में डील करेंगे हम लोग वहां पे इसका क्रॉस रेफरेंस आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा है ना तो 115 में इसका एक हर्डल है उस हर्डल को अपन समझेंगे कि क्यों वो मना करता है ये सारी चीजों के बारे में सो प्लीज डोंट फोकस राइट नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज दिस इज सेपरेट एरिया ऑफ डिस्कशन इन इंडिया सो कॉस्ट इनकर्ड बाई ए मैन्युफेक्चर और डीलर लेसर आ गया ना वो जो मैंने आपको कहा था इन कनेक्शन विद ऑफ फाइनेंस लीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंसेस। अगर आप मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर हो तो जो भी आपकी कॉस्ट दैट इज इन इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो आपकी होती है उसको हम एक्सपेंस ही रिकोगनाइज करेंगे क्या रिकोगनाइज करेंगे खर्चा रेकग्नाइज करेंगे सो एट द कमेंसमेंट डेट एंड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज बिकॉज दे आर मेनली रिलेटेड टू अर्निंग द मैन्युफैक्चर और डीलर का सेलिंग प्रॉफिट तो कहने का मतलब यहां पर आप उसको नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं मानेंगे ये लीज रिसिवेबल का पार्ट नहीं मानेंगे लीज रिसबल क्या है नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज ही तो है है ना तो यहां पर जो भी खर्चा होगा आपका उसको आप पी में एक्सपेंस ऑफ करेंगे ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था ठीक है

फाइनेंस लीज का अगर अपन बात कर रहे हैं तो अगर आप इस चीज को नेट इन्वेस्टमेंट में बुक करते हो तो एक प्रकार से ये खर्चा जो है वन शॉट पी एन एल में ना बुक होकर ओवर अ पीरियड ऑफ लीज टर्म जो है आपके प्रॉफिट लॉस में बुक होगा ठीक है वो आपको मैं बताऊंगा कैलकुलेशन के माध्यम से अभी हो सकता है ये बात ना समझ में आए देखिए जैसे कि आपका नेट इन्वेस्टमेंट है ठीक है तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि जो भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है लीज लीज पेमेंट दैट इज पेमेंट ठीक है जो जीआरवी के साथ में होते हैं और यूजीआरवी के भी साथ में होते हैं तो ये तो आपको प्लस प्लस वाले अमाउंट है कैश फ्लो ये तो आपको मिलेगा बट इसमें कुछ अमाउंट जो है वो आपका लग गया दैट इज इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट तो आप इन सारी चीजों को क्या करेंगे इन आप इन आप सारी चीजों को प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा इनका प्रेजेंट वैल्यू करते ही क्या आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट तो कहने का मतलब ये जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आपकी जो लगी है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो आपकी लगी है इसे आप लीज के इस कैश फ्लो में एडजस्ट करेंगे तो जैसे ही आप इसको कैश फ्लो में एडजस्ट करेंगे तो अपने आप ही ये जो पेमेंट है आपका ओवर अ पीरियड ऑफ लीज टर्म लीज एन में स्प्रेड आउट हो जाएगा रादर देन वन शॉट इसकी बुकिंग होगी हाउ एवर ऑपरेटिंग लीज सॉरी हाउ एवर इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसमेंट इन दीज एंडली है ना? So, तो कहने का मतलब ये अगर मैनुफेक्चर और डीलर से रिलेटेड होती है तो इसको आप खर्चे में डालेंगे ये वाली बात फिक्स हो गई और कहता है कि आपको इसको नेट इन्वेस्टमेंट में अलग से जोड़ने की दरकार नहीं है जब आप इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो रेट ही ऐसी आएगी कि अपने आप ही इस चीज को ऑफसेट कर देगी अब ये वाली चीज हो सकता है दोस्तों कि एक बार आपको कम समझ में आए जैसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ये वाली चीज भी आपको दिख जाएगी क्योंकि वो जो नंबर्स में आपको शो करूंगा ना उस नंबर्स में इनका इंपैक्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा आप लोगों को ठीक है तो ये वाली बात हो गई फाइनेंस लीज के बारे में ऑपरेटिंग लीज के बारे में अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है है ना ऑपरेटिंग लीज के बारे में अभी अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो इसका भी अपन क्या ही चर्चा करें ऑपरेटिंग लीज पढ़ लेंगे फिर इनिशियल डायरेक्ट डिस्कशन कर लेंगे। पहले फाइनेंस लीज़ की बातें कर लेते हैं क्या करेंगे लेसर जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो फाइनेंशियल होते थे तो वो क्या बनाता था अमोर्टाइजेशन टेबल करके अपन कुछ बनाते थे है ना तो वही वाली बात है यहाँ पे भी वैसा ही होगा अमोर्टाइज कॉस्ट के बेसिस पे वो टेबल से बनेगी कि लीज रिसीवेबल से आपको टोटल अमाउंट कितना आना है फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करिए लीज पेमेंट माइनस करिए क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा अमोर्टाइज कॉस्ट अमोर्टाइज कॉस्ट चलता रहेगा चलता रहेगा और लास्ट में लीज रिसीवेबल का बैलेंस जीरो हो जाएगा ठीक है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अपने पीएनएल स्टेटमेंट में फाइनेंस इनकम बुक करनी है दैट प्रोड्यूसिस कॉन्स्टेंट पीरियॉडिक रेट ऑफ रिटर्न ऑन द रिंग बैलेंस ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज दैट इज यूजिंग द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसमेंट इन द लीज विच इज इंटरेस्ट ऑन द लीज रिसबल तो लीज रिसबल पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो आपका इनकम uh, हो जाएगा रिड्यूस द नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज फॉर लीज पेमेंट रिसिव्ड आपको अपने टेबल में से जो भी लीज पेमेंट आता है उससे लीज रिसीवेबल को कम कर लेना है

सीधा सीधा पी एन एल में आप उसको रिकोगनाइज करेंगे नथिंग टू डू विद योर इनिशियल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट है ना जैसा लेसी करता था सेम उसका जस्ट उल्टा हो रहा है सेपरेटली रिकॉग्नाइज ये हो गया अपना आर नॉट परफॉर्मेंस और यूजेज बेस्ड वेरिएबल पेमेंट इन द पीरियड इन विच दैट इनकम इज अर्न तो कहने का मतलब ये जो वेरिएबल पोर्शन जितना भी है आप उसको पी एन एल में क्रेडिट uh, कर दीजिएगा जब भी वो आपको मिले और लास्ट के अंदर जो लीज रिसीवेबल आपने बुक किया है उसमें कोई इंपेयरमेंट है कि नहीं यानी आप कहते हो कि सौ रुपए मिलेंगे मुझे लेकिन कोविड लग गया कोविड की वजह से सब काम खराब हो गया तो हो सकता है इंपेयरमेंट इंडिकेटर आ जाए आगे चलकर और आपको अपने लीज को खत्म करना पड़े डिस्ट्रॉय करना पड़े कम करना पड़े है ना तो इंपेयरमेंट जो भी होगा नॉर्मल इंडेस थर्टी सिक्स के हिसाब से लगाया जाएगा नथिंग न्यू ओवर हेयर रीमेजरमेंट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीमेजरमेंट की अगर अपन बात करें नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कहता है कि जब तक मॉडिफिकेशन नहीं होता तब तक अपन ऐसा करते नहीं है तो कहता आफ्टर लीज कमेंसमेंट नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज इज नॉट मेजर्ड अनलेस इधर ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन नंबर वन द लीज इज मॉडिफाइड है सो अ चेंज इन द स्कोप ऑफ द लीज जो कंसिडरेशन होगा जो हम ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशन का पार्ट अपना नहीं बनता था कोई नई टर्म्स एंड कंडीशन आ गई है ना बार बार वही वाली बात लिखी हुई है ऑलरेडी पढ़ लिया है इसको अपन ने और जो लीज टर्म आपकी रिवाइज की गई है इज अ चेंज इन द द नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज तो ऐसी कंडीशन में आपका मॉडिफिकेशन जो पॉइंट है वो अट्रैक्ट मतलब एक्टिव हो जाता है और मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी तो ये कुछ अपन ने एक साथ में धराधर धराधर सारे के सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों पढ़ डाले अब आएगा मजा क्योंकि तो हम इन सारी की सारी चीजों को अप्लाई करने का मौका मिलेगा है ना डीलर लेसर का ही केस करेंगे सबसे पहले डीलर लेसर इन्होंने देखो लिख दिया है तो ऑब्वियसली बात है आपको यहां पे देखने को मिलेगा सेलिंग प्रॉफिट या फिर लॉस है ना सेलिंग प्रॉफिट लॉस के साथ में हम पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करेंगे तो सेलिंग पी एन एल भी होगा और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फाइनेंस इनकम भी कमाएंगे ठीक है तो अब एक बार आप देखिए जरा इस क्वेश्चन को पढ़कर देखिए हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े मान लीजिए दोस्तों कि आपको ही ये क्वेश्चन करना है ठीक है तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए समझ लीजिए और सिंस ये पहला क्वेश्चन है तो साथ में करते हैं इसको आप मत करिएगा तो एक बार पढ़कर जरूर आप ये सेटिस्फाई कीजिए कि अगर आपको इंडिपेंडेंटली ये क्वेश्चन हैंडल करने का मौका मिले तो क्या आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ठीक है हाँ जी देखिए दोस्तों तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट की देख लेते हैं कस्टमाइज नेचर का तो एसेट नहीं है एंड इज एक्सपेक्टेड टू द एंड ऑफ टेन ईयर लीज टर्म तो दस साल खत्म होने के बाद में भी हमारे पास उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज रहेगा तो इस वाली कंडीशन से तो फाइनेंस लीज नहीं लग रहा और आगे देख लेते हैं क्या होता है। है, जो कि होंगे, payable at the end. मतलब साल के के अंत अंदर पे करना नहीं at the end of the 10 year lease term. उसको ऐसा लगता है कि पचास हजार रेजिडेबल वैल्यू होगी अब ये पचास हजार में से गारंटी मिल रही है नहीं मिल रही लेसी के द्वारा देख लेते हैं गारंटी दे रहा है तीस हजार की तो लेसी गारंटी दे रहा है यानी कहने का मतलब लेसर को अगर चिंता करनी है तो बीस हजार की चिंता करे तीस तो ये खुद कमिट कर रहा है इसका मतलब ये हो गया कि दस साल के अंत में अगर लेसर को कोई भी पार्टी ऐसी मिलती है जो पचास हजार रुपए देने के लिए तैयार है तो लेसर उस पार्टी के साथ में काम कर लेगा लेसी को बोलेगा भाई तुम रहने दो ठीक है अगर लेसी के साथ में सेटलमेंट करना है मार्केट में रेट उसको नहीं मिल रही अच्छी तो लेसी तीस हजार रुपए देने के लिए बिल्कुल तैयार है ठीक है अच्छा फिर कहता है इक्विपमेंट हैज एन एस्टिमेटेड रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ जो है वो पंद्रह साल है

परचेज uh, ऑप्शन भी आपको दिया गया है यानी कोई भी कंडीशन अभी तो दिख नहीं रही है इंटरेस्ट रेट इंप्लीसिट इन द लीज जो है वो 10.078% है हाउ शुड द लेसर अकाउंट फॉर द सेम इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे आप इसकी अकाउंटिंग करेंगे तो देखिए दोस्तों ये जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे कौन-कौन से फेल हो गए ओनरशिप नहीं पास होगा परचेज ऑप्शन नहीं मिल रहा लीस्टम मेजर पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तीन तो क्रॉस लग गए स्पेशलाइज्ड नेचर का एसेट नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है एक से लेकर चार फैक्टर जो है यहां पर आपके सेटिस्फाइड नहीं हुए अब टेस्ट करना है तो सिर्फ इसको ही क्योंकि प्रैक्टिकल यही है दोस्तों बाकी तो सब वही है है ना केस को पढ़कर समझ में आता है या फिर इसके अंदर एक छोटा सा डिवाइड करके प्रैक्टिकल निकालना होता है तो किसी में भी कोई ज्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट है नहीं जो प्रैक्टिकल पॉइंट है वो इसी में है कि मिनिमम लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना तो अब ये काम अपन करते हैं देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपने को एक सेकेंड सबसे पहले तो अपने को यहां पे जो अपने लीज पेमेंट है पहला वर्किंग नोट मैं लगा देता हूं वर्किंग नोट नंबर वन ठीक है तो इसमें जो भी अपने लीज पेमेंट होने वाले हैं इन सारे के सारे लीज पेमेंट का मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ठीक है तो लीज पेमेंट कितने हैं जरा देखिए इस क्वेश्चन के अंदर पंद्रह हजार का लीज पेमेंट है अमाउंट फिक्स है ना तो एन फैक्टर लेने में काम आ जाएगा और कितने साल का है दस साल का है तो एक से लेकर दस साल तक आपको 15, 15 मिलेंगे ठीक है इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज इन लोगों ने निकाल के दे दिया है क्योंकि मैं आपको बताता हूं अगर नहीं निकाल के दिया हुआ होता तो वो आई आर आर टेक्निक से अपने को निकालना पड़ता है ना और आई आर आर आजकल इंस्टीट्यूट बिल्कुल अवॉइड करने लगा है तो 15,000 का फैक्टर लेंगे एनुटी फैक्टर लेंगे 10.078 से 10.078 डिवाइडेड बाय से तो 10 बाई दस साल का एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस हाँ जी तो दे, देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है एनुटी फैक्टर लेंगे एक से लेकर दस साल होगा जो कि कैलकुलेट हो गया है सम uh, टोटल आ रहा है उसका सिक्स पॉइंट वन टू फोर जीरो सिक्स पॉइंट वन टू फोर जीरो आपको किराया किराया जो है वो इतना मिल जाएगा सिक्स पॉइंट वन टू फोर जीरो को मल्टीप्लाई कीजिए फिफ्टीन थाउजेंड से ये होता है आपका 91,860, वन थाउजेंड एट सिक्सटी ठीक है तो ये तो आपको लीज पेमेंट के रूप में मिल जाएगा दूसरा आपको टेंथ ईयर में गारंटेड रेजिडेबल वैल्यू मिलेगा लेसी से राइट लेसर को लेसी से गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू मिलेगा जो कि कितना है थर्टी थाउजेंड है ठीक है थर्टी थाउजेंड और इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना पड़ेगा आपने को जो कि होगा टेंथ ईयर का और टेंथ ईयर का फैक्टर है थ्री एट टू एट टू पॉइंट थ्री एट टू एट टू तो एक काम करिए थर्टी थाउजेंड इन टूं फोर एट फाइव कर लेते हैं इसको 1, 1, 4, 8, अब दोनों का टोटल कर लीजिए नाइन्टी वन का वन वन फोर एट फाइव का और जब आप इसका दोनों का टोटल करते हैं तो आपके पास में ये टोटल कितना आ जाएगा देखिए फोर एट फाइव प्लस नाइनटी वन एट सिक्सटी वन जीरो थ्री थ्री फोर फाइव वन जीरो थ्री थ्री फोर फाइव नाउ ये वन जीरो क्या नंबर है ये नंबर हम लोग क्यों कैलकुलेट किए हैं यहाँ पर बिकॉज फॉर ऑफ बिकॉज फॉर द लीज क्लासिफिकेशन हमको अपनी लीज को क्लासिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी तो लीज क्लासिफिकेशन में मतलब ये लीज आपका फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है है ना उसके लिए ये काम अपन कर रहे हैं तो ये जो भी मैंने पे गणित लिखी है इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है कि एक तो किराया किराया आपको इतना रुपये मिल जाएगा दूसरा लास्ट में गारंटेड रेजिटेबल वैल्यू आपको इतनी कंफर्म मिल जाएगी तो यानी लीज के कॉन्ट्रैक्ट में आपको से इतना अमाउंट मिलना कंफर्म हो गया है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में अच्छा अब देखिए फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या है आप कहेंगे सर फेयर वैल्यू ऑफ असेट जो है वो है आपका एक लाख ग्यारह हजार ठीक है अब इसको आप कंपेयर करके देखें किससे कंपेयर करके देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो कि है वन जीरो थ्री थ्री फोर फाइव इक्वल बट अप्रॉक्सिमेटली इक्वल है ना uh, इस सब्सटैशियली का कोई मैथमेटिकल सिग्नेचर तो नहीं है बट मैं आपको बता दूं नहीं है बट ये क्या है इक्वल है परसेंटेज जो है वो ज्यादा ही आ रहा होगा है ना तो देखिये कितना है वन जीरो थ्री थ्री फोर फाइव डिवाइडेड बाई वन 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 ट्रिपल जीरो परसेंटेज कुछ है नाइनटी थ्री परसेंट नाइनटी थ्री परसेंट का मतलब इस परसेंटेज को रीड करना सीखिए दोस्तों तो ये रीड करने के लिए आपको ये बात जो है वो समझनी पड़ेगी कि हम लीज पर जिस असेट्स को दे रहे हैं उस असेट से हम इतना पैसा वसूल कर रहे हैं जितना कि इस असेट्स को आज बेचने पे वसूल किया जा सकता था ऑलमोस्ट उसके बराबर आसपास सब्सटैंशली ऑल स्टैंडर्ड ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि दोनों एग्जैक्टली exactly नंबर जो है वो सेम होने चाहिए ठीक है तो एक बात ये ध्यान रखिएगा यहां पर मैंने Point to be noted over here. यहां पे मैंने UGRV consider नहीं किया है. क्यों? क्योंकि UGRV मुझे lease के contract से नहीं, बल्कि बाहर मैं खुद किसी उस असेट को अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में बेचना चाहूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज कहीं और से मिल जाएंगे बट लेसी से मुझे इतना ही मिलने वाला है तो लीज क्लासिफिकेशन के लिए प्लीज मेक श्योर कि आप यूजीआरवी को यहां पे कंसीडर ना करें रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया क्यों नहीं करना ठीक है ना तो इस लीज क्लासिफिकेशन के वर्किंग नोट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि यह लीज आपकी फाइनेंस लीज हेंस दिस लीज़ कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस लीज हेंस दिस कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस लीज ठीक है ये आपका बन गया वर्किंग नोट नंबर वन आइए दोस्तों अब हमको ना और भी काफी सारी चीजें इसके अंदर कैलकुलेट करनी है वर्किंग नोट नंबर टू वर्किंग नोट नंबर टू में कैलकुलेट करेंगे हम नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्योंकि एंट्री पास करनी है अपने को नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज हाँ जी तो देखिए दोस्तों नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज निकालने के लिए हमारा पहला वर्किंग नोट हमें हेल्प करेगा उसमें नाइनटी वन एट सिक्सटी और वन वन फोर एट फाइव ये दोनों कॉम्पोनेंट तो आ ही जाएंगे नाइनटी वन एट एट फाइव मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट तो आता ही आता है इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जी भी इसमें आता है और नेट इन्वेस्टमेंट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दोस्तों UGRV को भी कंसिडर किया जाता है बिकॉज यहां पे हम बात सिर्फ और सिर्फ लेसी की नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं इस assets को लीज पर चढ़ाने के बाद में ये assets हमें कितने रुपए जनरेट करके दे सकता है जो कि लेसी से तो आ जाएंगे इतने बाकी के मार्केट में बेचकर और एक्स्ट्रा मार्केट में अपने को बीस हजार रुपए की प्राप्ति होगी और ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का कैलकुलेशन यहां पे कर देता हूं मैं ट्वेंटी थाउजेंड का प्रेजेंट वैल्यू वही फैक्टर लगेगा पॉइंट थ्री एट टू एट टू पॉइंट थ्री एट टू एट टू कितना देखिए बीस हजार मल्टीप्लाई बाई पॉइंट सेवन सिक्स सेवन सिक्स फाइव सिक्स तीनों कॉम्पोनेंट शामिल किए जाते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज में अब इनका सबका सम टोटल कर लीजिए इनका सबका सम टोटल जो है वो कर लीजिए क्या क्या हो गया देखिए वन वन फोर एट फाइव ये सेवन सिक्स फाइव सिक्स हो जाएगा नाइनटी वन एट गया एक लाख ग्यारह हजार एक रुपए और यू कैन से एक लाख ग्यारह हजार ठीक है विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द फेयर वैल्यू मतलब इस असेट को अगर आप लीज पे चढ़ाते हैं तो भी आप एक लाख ग्यारह हजार रुपए है ना लेसी और मार्केट में मिलकर रिकवर कर सकते हैं बाय अर्निंग ऑफ फाइनेंस इनकम एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ क्या था अपना डिस्काउंटिंग रेट वो कुछ टेन पॉइंट जीरो सेवन एट था ना टेन पॉइंट जीरो सेवन एट यानी दस दस पॉइंट जीरो सात आठ प्रतिशत ब्याज कमाकर आप इस असेट्स को एक रुपए में बेच सकते हैं है ना थाउजेंड तो आप कमाई लेंगे और जो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा माइनस वन लैख इलेवन योर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट अप्रंट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट वो तो आपका सेल्स के माध्यम से रियलाइज हो जाएगा बियॉन्ड वन लैख इलेवन थाउजेंड आप और भी कुछ कमा रहे हो जैसे कि क्या कमा रहे हो देख लो आपको पता ही चल जाएगा इनफैक्ट uh, इसको मैं ना वर्किंग नोट क्या कर देता हूं इसको मैं वर्किंग नोट कर देता हूं ठीक है और इसको रख देता हूं मैं नीचे पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाल के बता दू आपको ताकि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको हर चीज समझाई जा सके वर्किंग नोट नंबर टू में आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में बता देते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या है तो जो मिलेगा वही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है एक तो पंद्रह हजार रुपए का किराया मिलेगा सालाना दस साल तक विच इज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो ये हो गया आपके फिक्स्ड लीज रेंटल फिर GRV आर थर्टी और UGRV जी ट्वेंटी इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं तो बताइए क्या ये वन लैख इलेवन थाउजेंड बराबर आ रही है क्या नहीं ये तो सर ज्यादा आएगी कैसी बातें करते हो तो इसका टोटल हो गया अपना दो लाख एक लाख ग्यारह हजार की चीज को लीज पर चढ़ाने से आपको जो टोटल रिसिप्ट मिल रहा है वो टू रुपीज है वो लाख अच्छा तो आप इसको क्या कहेंगे मतलब वन लैख इलेवन थाउजेंड रुपीज का जो फेयर वैल्यू है माइनस करेंगे आप दो लाख रुपए में से जो एक्स्ट्रा आपको कमाई हो रही है कि किस बात की कमाई है क्या चीज है ये ठीक है तो आपके पास अभी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट दोनों निकल गए है ना तो हमारे पास में यहां पे एक तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गया और एक हो गया हमारा नेट इन्वेस्टमेंट ठीक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी हो गया नेट इन्वेस्टमेंट भी हो गया तो जो अन फाइनेंस इनकम है वो भी कैलकुलेट कर लीजिए अन फाइनेंस इनकम मतलब डे वन को जब लीज अग्रीमेंट में आप इसकी बुकिंग कर रहे हैं लीज की एंट्री पास करेंगे उस समय आपने अभी ये फाइनेंस इनकम अर्न करी नहीं है करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ लीज तो उसके हिसाब से इसका जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगा आपका कि भाई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दीजिए क्योंकि तो ग्रॉस में प्रेजेंट वैल्यू नहीं करी है आपने और नेट में प्रेजेंट वैल्यू करी है यही डिफरेंस है और जो डिफरेंस है वही ओवर द पीरियड फाइनेंस इनकम बनकर बुक होगा तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दो लाख माइनस नेट इन्वेस्टमेंट एक लाख ग्यारह हजार है ना क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू सब चीजों की जो आ रही है वो एक लाख ग्यारह तो ये कितना डिफरेंस हो जाता है दो माइनस एक ग्यारह थाउजेंड इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ये कैसे बुक किया जाएगा फाइनेंस इनकम जो है कैसे बुक करी जाएगी तो उसके लिए एक वर्किंग नोट और बना देता हूं मैं आ, जो कि होगा हमारा लीज Amortization table. ठीक है तो अब देखिए ये सारी चीजें पूछी नहीं है बट तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में कि कौन कौन सी चीजें मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है इसमें फाइनेंस लीज के अंदर तो देखिए दोस्तों लीज अमोरटाइजेशन टेबल में टाइम थोड़ा सा बचा लेते हैं एक्सेल की हेल्प लेकर एक सेकेंड तो आई होप अब स्क्रीन शेयर है क्या हाँ बराबर है चलिए तो देखिए नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज जो है आपका उसका हम बनाएंगे अमोरटाइजेशन टेबल ठीक है ना कैसे बनेगा तो फाइनेंशियल एसेट्स का जो अमोरटाइजेशन टेबल बनता था वैसे ही यहां पर Uh, वो ही अमोरटाइज कॉस्ट मेथड से आपको अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना है हम इसके बारे में काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में और जो लाइब्रेटरी की टेबल बनाते हैं उसके जस्ट अपोजिट बनेगी तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा इसमें ठीक है ओपनिंग बैलेंस ठीक है ओपनिंग बैलेंस में आप इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेंगे और जो भी लीज पेमेंट होंगे उससे आप अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस को रिड्यूस कर देंगे और आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा बराबर है कि नहीं है ठीक है ना अब देखिए अब यहां पर ओपनिंग बैलेंस कितना है वन लैख इलेवन थाउजेंड क्योंकि जो भी प्रेजेंट वैल्यू है वही आपका नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज करके बुक होगा तो वन लैक इलेवन थाउजेंड अच्छा इंटरेस्ट रेट क्या होगी टेन पॉइंट जीरो सेवन एट परसेंट है ना इंटरेस्ट रेट तो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा लीज पेमेंट आपका फिफ्टीन थाउजेंड है फर्स्ट ईयर और क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा लीज पेमेंट घटा दिए जाएंगे इस प्रकार से तो क्लोजिंग बैलेंस बस कंटिन्यू करिए तो एक काम करते हैं इसको कॉपी कर दस सालों तक पेश करना पड़ेगा तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस लास्ट में बैलेंस आएगा पचास हजार ये बैलेंस पचास हजार बच रहा है सॉरी है ना तो आप यही कहेंगे सर लास्ट में फिफ्टी थाउजेंड का बैलेंस इसलिए बच रहा है क्योंकि लास्ट ईयर में आपको गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू विच इज थर्टी थाउजेंड ये भी दोनों आपको मिलेगी है ना सिर्फ पंद्रह हजार का लीज पेमेंट नहीं बल्कि आपको पचास हजार को और इनफ्लो होगा तो उसकी वजह से ये काम होगा अब रही बात ये कि ये बैलेंस तो जीरो होना चाहिए अब ये जीरो क्यों नहीं हो रहा जीरो इसलिए नहीं हो रहा दोस्तों क्योंकि यहां पर इन्होंने आई हमको निकाल के बता दी है इज जबकि है क्या है इसकी इसको चेक कर लीजिए देखिए असली मायने में प्योर आई निकाल के देखते हैं मशीन कैलकुलेशन से तो बाई इक्वल सॉरी पहले आई के लिए इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट है लेसर का मशीन का एक लाख ग्यारह हजार एक लाख ग्यारह हजार की मशीन को वो जब लीज पे चढ़ाता है तो उसको इतने सारे इन्फ्लोज मिलते हैं तो देखिए आईआरआर असली में जो है वो इतनी होगी इसकी ये देखिए रेंज सिलेक्ट कर लिया जीरो एंड आईआरआर जो है वो टेन परसेंट है राउंडेड ऑफ लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म में इसका ये जो बैलेंस आ रहा है कितना आ रहा है तो अब अपने लोग तो इतना डेसिमल तक आगे जा नहीं सकते है ना 10.0782609197498 तो हमने इसको 10.08 पे राउंड ऑफ कर लिया हमने इसको क्या किया 10.078 पे राउंड ऑफ कर लिया तो उसकी वजह से इसमें थोड़े बहुत राउंडिंग ऑफ एरर रहेंगे इसलिए ये लास्ट में तीन रुपए का बैलेंस जो है वो मैच नहीं हो रहा तो एक काम करिए आप यहां पर ये जो इंटरेस्ट आता है राइट इस इंटरेस्ट में इस चीज को एडजस्ट कर दीजिए डिफरेंस को अच्छा भाई इसमें सर्कुलर रेफरेंस आ गया तो एक काम करिए इसको बैलेंस को बैलेंसिंग फिगर में लास्ट ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए तो ये ये हो गया लीजिए और बैलेंस यहां पे हो गया आपका दिस प्लस दिस दिस प्लस माइनस जीरो जीरो बैलेंस हो गया ना समझ में आया अब आप आपको ये टेबल ये वाली टेबल समझ में आएगी नहीं यही फाइनेंशियल लाइबिलिटी के जस्ट उल्टी है ध्यान रखिएगा आप लेसर हैं तो आप जो बना रहे हैं उसका नाम है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज अमोर्टाइजेशन टेबल जहां पर जो आपके ईयर हैं मतलब लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर होगा उस फाइनेंशियल ईयर में आपको केवल और केवल और लीज पेमेंट के साथ में केवल और केवल लीज पेमेंट नहीं बल्कि आपको टेंथ ईयर के अंदर दोस्तों जीआरवी और यूजीआरवी भी मिलेगी इस बात का ध्यान रखिएगा तो ये पे फोकस करना बहुत जरूरी है यहाँ पे मैंने जी आरबी और यू जी आरबी दोनों को कंसिडर किया है ठीक है तो इस प्रकार से ये हमारी लीज की नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज की टेबल बनेगी रही बात अकाउंटिंग की तो अकाउंटिंग आप सब जानते हैं ठीक है बट फिर भी मैं आपको उसकी अकाउंटिंग एक बार डिस्कस करके बता दूंगा नंबर्स की हेल्प हम लोग इस एक्सेल शीट से ले लेंगे बाकी अकाउंटिंग में आपको कॉपी में करके बता दूंगा है ना तो इसमें कोई आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा मिला होगा क्योंकि ये सारी चीजें आपने आईपीसीसी में भी करी थी ठीक है फाइनल में भी कर रहे हैं अपने लोग और लेसी के बुक्स में भी ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं ठीक है, है? तो अब क्या करना है? सारा काम तो हो गया सर जो भी वर्किंग नोट बनने थे वो सारे के सारे हो गए ठीक है अच्छा अब ये इस क्वेश्चन के अंदर ना मैन्युफैक्चरर डीलर या मैन्युफैक्चरर का केस चल रहा है ये, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है ना तो डीलर मैन्युफैक्चरर का केस होने से हमको एक काम करना पड़ता है और वो ये है कि हमें एक तो रेवेन्यू की बुकिंग करनी पड़ेगी तो वर्किंग नोट जो भी होगा लगा दीजिए नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर सिक्स एग्जामिनर को तो चाहिए यही उसको तो हर एक चीज आप वर्किंग नोट के माध्यम से बताएं तो सिक्स वर्किंग नोट में हम लोग रेवेन्यू कैलकुलेट करते तो एज पर इंडिया हमने क्या पढ़ा रेवेन्यू है Fair value or present value of lease payment, whichever is lower. Fair value of the assets or present value of lease payment, whichever is lower. ये हमने लिखा हुआ पढ़ा था रेवेन्यू का मतलब ये होता है अब दोस्तों इसका रैशनल भी मैं आपको समझाऊंगा चिंता ना करें कि फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट का असली मीनिंग क्या होता है हम ये लोअर जो है अमाउंट वो क्यों लेते हैं रेवेन्यू को इन 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 अमाउंट से क्यों बुक करते हैं अब ये तो रटना हो गया कि सर ऐसा ऐसा स्टैंडर्ड ने बताया है तो ऐसा ऐसा हम लोग कर देते हैं बट इसके पीछे क्या लॉजिक है रीजन क्या है कि भाई हम रेवेन्यू इस प्रकार से बुक करेंगे तो पहले एक बार नंबर हम इसके अंदर ले आते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या चीज है तो फेयर वैल्यू तो है हमारे पास में इस क्वेश्चन में एक लाख ग्यारह हजार ठीक है इसको मैं यहां लिखता हूं एक लाख ग्यारह हजार ठीक है ये हो गई फेयर वैल्यू अच्छा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की अगर अपन बात करें तो आपको देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आपको लेसी से कितना अमाउंट मिलेगा क्योंकि रेवेन्यू बुक कर रहे हो ना आप तो रेवेन्यू मतलब है? लेसी को एक प्रकार से आपने फाइनेंस लीज पर बेच दिया है वो एसेट्स तो लेसी आपको जो भी पैसा देगा उससे अपने को रेवेन्यू बुक करनी चाहिए उसके प्रेजेंट वैल्यू पे तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं देखिए लेसी हमें वन जीरो थ्री थ्री फोर फाइव वन जीरो थ्री थ्री फोर फाइव अब आपके जो भी डाउट आ रहे हैं आप बिल्कुल अपने डाउट को आइडेंटिफाई करके रखिए आपको यहां पर यह डाउट आ... आया हो यहाँ पे कि लेट से कि सर यहाँ पे आपने रेवेन्यू बुक करते समय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट में सिर्फ लीज पेमेंट प्लस जीआरवी क्यों कंसिडर किया है ना सिमिलरली वहां पर ऊपर जैसे किया था यू जी आर वी हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है तो इसके पीछे कोई रीजन है वो समझा दीजिए ठीक है ताकि हमें पता चल जाए तो आपको मैं ये भी बात बता देता हूँ कि हमने यू जी आर वी यहाँ पे क्यों कंसिडर नहीं किया देखिए हमने सामान बेचा है सामान बेचकर डेटर से जो पैसा आने वाला है हम उसी के ऊपर तो फोकस करेंगे ना तो भैया डेटर कौन हुआ हमारा डेटर हुआ लेसी लेसी हमें कितना पैसा देगा लीज पेमेंट देगा सारे के सारे और लास्ट में जो उसने गारंटी दी है वो तो कहने का मतलब डेटर से जो पैसा आना है उसी की तो रेवेन्यू बुक कर पाएंगे ना इसलिए यूजीआर भी यहाँ पर नहीं ऐड किया जाएगा और ऊपर वाले में यूजीआर में क्यों यूजीआर भी क्यों ऐड नहीं किया वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था अच्छा दूसरी बात ये जो फेयर वैल्यू आती है ना ये वाली फेयर वैल्यू है ना ये फेयर वैल्यू लीज होल्ड एसेट्स की होनी चाहिए लीज होल्ड एसेट का मतलब क्या हो गया सर लीज होल्ड एसेट्स तो है ये एसेट्स जो आपने बताया देखो मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्या होता है कि फेयर वैल्यू यहां पर लीज होल्ड एसेट जो मैंने लिखा है अभी इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत सारा इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज uh, क्रिएट हो जाएगा तो पहले इसको इस क्वेश्चन के इंटेंट को हम समझ लेते हैं पहले इसको समझ लेते हैं फिर बाद में ये सारे जो कॉम्बिनेशन में आपको और भी बताऊंगा इसके अंदर कि क्या है इसका एग्जैक्टली exactly मतलब तो एक ग्यारह और एक लाख तीन हजार तीन सौ पैंतालीस रुपए इसमें से uh, कौन सा अमाउंट लोअर है तो आप कहेंगे सर इसमें से लोअर है वन जीरो थ्री थ्री फोर फाइव तो वन जीरो थ्री थ्री फोर फाइव पे हमको रेवेन्यू बुक करनी चाहिए रेवेन्यू का नोट बन गया आइए नेक्स्ट नोट किसका बनाएंगे अपने लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या होता है जो हमारा कैरिंग अमाउंट होता है ना एसेट्स का ठीक है कैरिंग अमाउंट ऑफ क्या है असेट्स का नाम क्या है इक्विपमेंट hmm. तो कैरिंग अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट इन द बुक्स जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लाख रुपए लेस लेस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिड्यूअल वैल्यू ऐसा ही कहा है ना इन्होंने देखिए हमने जो नोट पढ़े थे देखिए कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट लेस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिटेबल वैल्यू जिसे आप कॉस्ट ऑफ सेल मानेंगे ठीक है तो ये रटने वाली बात हो गई अब यहां पे आप पूछेंगे कि सर यहां पे सिर्फ यूजीआर भी क्यों लिया यहां पे जी आरवी क्यों नहीं लिया है ना देखिए इन सब चीजों को अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो क्या पता गलती हो जाएगी लेकिन एक बार समझ लीजिए बाद में कभी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे अब समझिए आप सेलर हैं और आपने इस अट्स को बेच दिया राइट तो ये इक्विपमेंट आपके बुक्स में कितने का है एक लाख मतलब ये समझ ये समझ लीजिए आपने इक्विपमेंट लाख रुपए का खरीदा जो भी अमाउंट इसकी आ रही है बुक्स के अंदर वही आपकी अभी कॉस्ट है मान लेते हैं ठीक है ये आपकी परचेज प्राइस है और अभी ताजा ताजा खरीदा गया है ठीक है पुराना खरीदा होगा तो ये डिप्रिशिएटेड वैल्यू होगी डब्ल्यू होगा तो ये वन लाख रुपए की कॉस्टिंग है तो क्या मैं ये एक लाख रुपए को पूरे के पूरे को कॉस्ट बना दूंगा है ना क्योंकि आप यही कहेंगे कि सर जब मैंने इसको लीज पे चढ़ा दिया तो एक प्रकार से ये वाला बुक से वाला इक्विपमेंट बुक हट जाना चाहिए बुक से हो जाना चाहिए तो सेल्स uh, के ऊपर uh, जो भी प्रॉफिट प्रॉफिट होगा वो निकालने के लिए हमें उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी पड़ेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या मैं एक लाख रुपए पूरे अमाउंट को कॉस्ट ऑफ सेल्स गिन लू क्या तो आंसर है नहीं पूरे एक लाख को कॉस्ट नहीं गिना जा सकता तो इसमें से हमको लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होगा, खत्म हो जाएगा थर्टी थाउजेंड का तो, का, वो तो से मिल जाएगा अपने को. बाद में या तो अपने को पैसा देगा तीस हजार रुपए ठीक है या फिर वो अपने को एसेट दे देगा समझ गए ना और आ, मुझे लगता है कि बाजार में इसकी कीमत पचास है तो मैं डेफिनेटली से पैसा क्यों लूंगा थर्टी तो नहीं, तो दे दे, नहीं बल्कि 50 में बेचूंगा तो उसको मुझे एक्स्ट्रा कितना मिलेगा आ, अपार्ट फ्रॉम जो भी लेसी मुझे दे रहा है बीस हजार मिलेगी सो बीस मेरे अनगारंटेड रेजिटेबल वैल्यू एक प्रकार से स्क्रैप वैल्यू जैसा रेजिटेबल वैल्यू जैसा काम करेगी तो एक लाख रुपए ये मशीन एज ऑफ नाउस में लेकिन मुझे कुछ कमा कर देगी 20, अब रही बात यह कि मैं एक लाख में से बीस हजार डायरेक्ट कम भी नहीं कर सकता मतलब वन लैख में से डायरेक्ट में ट्वेंटी कम नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि ट्वेंटी तो दस साल बाद में मिलेगा ना अब दस साल बाद में जो चीज मिलेगी उसको मैं आज पूरा अमाउंट कैसे कंसिडर कर लूं तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी सीधी बात है इसलिए इन्होंने कह दिया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यू जीआरवी अब यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है यहां पे ध्यान ये रखना है जीआरवी इज नॉट कंसीडर्ड जीआरवी इज नॉट कंसिडर्ड ओवर हियर तो भैया यहां पे जीआरवी भूल से भी मत काउंट कर लेना ठीक है तो देखिए थाउजेंड का प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या होगा वही फैक्टर है ना अपना थ्री एट टू एट टू मल्टीप्लाई बाई पॉइंट इंटू टी एट टू एट टू सेवन सिक्स फाइव सिक्स ठीक है तो बताइए कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हो जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है हमारी नाइनटी टू थाउजेंड थ्री फोर्टी फोर कर लेते हैं चलिए सारा काम हो गया जर्नल एंट्री अपने लोग पास करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं ठीक है सारी की सारी की कैलकुलेशंस हो गई अपने को जो जो चाहिए था और जो जो नहीं भी चाहिए था उनकी भी कैलकुलेशन हमने कर ली है तो देखिए सबसे पहले हमने लीज क्लासिफिकेशन ये अपने को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि अकाउंटिंग उस प्रकार से की जाएगी सिंस लीज क्लासिफिकेशन का जो रिजल्ट आया वो ये आया कि ये आपकी लीज जो है वो फाइनेंस लीज है है ना सारा कंक्लूजन निकालने के बाद में मालूम पड़ा कि ये हमारी लीज जो है वो फाइनेंस लीज है बिकॉज ये 93% परसेंट कवर कर रहा है नाउ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है पूरे लिखे पूरे लीज में कुल पैसा जो है वो कितना आने वाला है वो दो लाख रुपए आने वाला है बट ये दो लाख रुपए मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ठीक है नेट uh, इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो जो भी पैसा आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया जाएगा तो, वो हो जाएगा, तो ये फाइनेंस इनकम uh, बुक किया जाएगा तो देखिए आप ओवर द पीरियड का इंटरेस्ट देखिए जरा टोटल करके ये देखिए एक्सल एक्सल का जो मैंने टोटल किया क्या देखिए ये एटी आ रहा है कि नहीं आ रहा आ रहा है ना तो जो 89,000 का अन फाइनेंस इनकम है डे वन पर वो धीरे 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 अर्न होते जा रहा है अर्न होते जा रहा है अर्न होते जा रहा है तो कहने का मतलब हर साल अन फाइनेंस इनकम का बैलेंस कैसे निकाला जाएगा ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं दोस्तों कैसे निकालते हैं देखिए टोटल है आपका एटी इसमें से ग्यारह अर्न हो गया तो फर्स्ट ईयर के एंड में इतना अन बच गया

इंटरेस्ट है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसे आप इंटरेस्ट के रूप में बुक करें इसे किसी भी प्रकार से आप रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते है ना तो ये रेवेन्यू नहीं है लॉजिकल सही नहीं होगा अगर आपने इसको रेवेन्यू बुक कर दिया तो ठीक बात है चलिए तो सारी कैलकुलेशन हो जाने के बाद में अभी अपने को क्या करना है एंट्री बुक करनी है ठीक है तो जहां पे हम एंट्री में क्या करेंगे हम लोग रेकग्नाइज करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को रेकग्नाइज करेंगे और डी किस चीज को करेंगे हम हमारे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को करेंगे कि नहीं करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है अब वो हमारी बैलेंस शीट में नहीं रहेगा क्योंकि हमने उसको एक प्रकार से बेच दिया है और, और बेचा है तो किसे बेचा है लेसी को बेचा है तो मैं यहां पे लेसी नहीं लिख रहा रीजन ये है क्योंकि ये जो recognition हो रहा है वो हो रहा है लीज में नेट इन्वेस्टमेंट जो कि इंक्लूड करता है यूजीआर वी ऑल्सो अनगारंटेड रेजिटेबल वैल्यू भी आपको लास्ट में अपने को देखने को मिलेगी तो वो पैसा लेसी नहीं देता इसलिए मैं इसके क्या लिख रहा हूं इसे in इसे नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज़ लीज़ पुराने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जस्ट डिफरेंस ऑफ नॉमेन क्लेचर कॉन्सेप्ट ठीक है तो देखिए नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज हम लोग वर्किंग नोट बना चुके हैं कितने से बुक होगा ये ये होगा एक लाख ग्यारह हजार से डेबिट ठीक है फिर क्रेडिट किसको करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है जो बुक्स में एक लाख रुपए पे था एक लाख रुपए से इसको हमने क्रेडिट कर दिया अच्छा और क्या रिकॉग्नाइज करते हैं फाइनेंस लीज में और रिकॉग्नाइज करते हैं हम लोग रेवेन्यू तो लीजिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लीजिए रेवेन्यू कितने से रिकॉग्नाइज करना है इसका भी वर्किंग नोट बना लिया तो देखिए रेवेन्यू हमें रिकॉग्नाइज करना है वन जीरो थ्री थ्री फोर फाइव से Is lower. और अभी मैंने इसका आपको वो नहीं बताया Rational, कि क्यों जीरो पहले काम कर लेते हैं बाद में आपको लॉजिक भी समझा दूंगा अच्छा फिर क्या रिक्ज करना है, sales, जिसे आप है या कह सर ये क्यों रिकोगनाइज करते हैं ये इसलिए रिकोग्नाइज करते हैं कि लीज के सेल ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉफिट कितना हुआ तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कितनी है देखिए नाइन 92 थ्री समझ गए आप मेरी बात अब देखिए ये एंट्री आपकी अभी टैली हो गई होगी ये एंट्री अभी आपकी टैली हो चुकी होगी और इस एंट्री को रीड करने से हमको पता क्या चलता है हमें पता ये चलता है कि देखिए प्रॉफिट ऑन सेल्स ट्रांजैक्शन जो कि वन जीरो थ्री थ्री फोर फाइव इतने का रेवेन्यू बुक किया और आपने इसकी कॉस्ट जो मानी है इंडेस एक सौ सोलह के हिसाब से नाइनटी टू थ्री फोर्टी फोर इसका मतलब ये आपकी क्रॉस मार्जिन होगी तो कितना होता है ये सेल्स पे प्रॉफिट वन जीरो थ्री थ्री फोर फाइव माइनस टू थ्री फोर्टी फोर लगभग ग्यारह हजार एक रुपए का प्रॉफिट कमा लिया आपने ग्यारह हजार एक रुपये का आपने प्रॉफिट जो है वो कमा लिया है समझ गए आप लोग मेरी बात ये ग्यारह हजार का प्रॉफिट आपने जो कमाया है ये, ये इसको भी आप रीड कर सकते हैं समझ सकते हैं देखिए आपकी जो मशीन है उसकी वैल्यू जो फेयर वैल्यू है वो एक लाख ग्यारह हजार है ठीक है तो कहने का मतलब एक लाख ग्यारह हजार रुपए का एक प्रकार से आपका एक नया ट्रांजेक्शन हो रहा है जिसके रिगार्डिंग आपके बुक्स में उसकी वैल्यू एक लाख ही दिखाई जा रही है तो यही डिफरेंस आपको यहां पे देखने को मिल रहा है जो प्रॉफिट के रूप में बुक किया जा रहा है बट इसको ऐसे स्कैटर्ड वे में अपने को प्रेजेंट कराते हुए बताना पड़ेगा कि लीज रिसीवेबल सिर्फ इतना ही होगा सॉरी लीज रिसीवेबल जो होगा वो हमारा ये वाला होगा ठीक है ना एक लाख ग्यारह हजार कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी ये होगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो कि बुक्स में अवेलेबल है उतने से डी हो जाएगा और रेवेन्यू इतने से बुक हो जाएगी ठीक है तो अब देख लेते हैं इसका आंसर देख लेते हैं इन्होंने भी यही किया गया हाँ जी देखिए तो यहाँ पर नेट इन्वेस्टमेंट इन्होंने बुक किया एक लाख से, से ये डेबिट हुआ और रेवेन्यू जो है वो आपकी इतने से बुक हुई है प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर लीज इतने से बुक हुआ तो कहने का मतलब ये सारा ट्रांजेक्शन होने से अपने आप ही आपका जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है वो डी रिक्नाइज हो गया लीज रिसबल रिक्नाइज हो गए और इमीडिएटली uh, सेल के ऊपर जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो ट्रेडिंग पीरियड में अपने आप दिख रहा होगा उसको आपको ऐसे अलग से शो करने की दरकार नहीं है है कैसे क्योंकि जहां एक साइड आपने रेवेन्यू बुक करी है, 103 का और उसकी कॉस्ट बुक करी है 92 का तो ये इंप्लाइड है ना कि प्रॉफिट है अब देखिए दोस्तों ठीक है ये क्वेश्चन uh, तो हो गया ये और रही बात इसके प्रेजेंटेशन की तो देख लीजिए इन्होंने वही है सब चीजों की कैलकुलेशन uh, बनाई है वर्किंग नोट बना बना के अनगारंटेड रेड वैल्यू का नोट बना दिया नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज की कैलकुलेशन कर ली इन्होंने देखिए फिक्स अमाउंट है तो इतनी बड़ी टेबल मत बनाएं मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा अमाउंट में जरूरी नहीं होता है जो अमाउंट चेंज रहता है ना लीज पेमेंट का अमाउंट चेंज रहता है तो अपने को वो काम करना पड़ता है अच्छा ठीक है और इन्होंने फिर वही एक लीज अमोर्टाइजेशन टेबल भी बना दिया जो मैंने एक्सेल में बनाया था ठीक है इन्होंने भी बनाया है मैंने इसको एक्सेल में बना दिया था आप लोगों के लिए तो ये लीज अमोर्टाइजेशन टेबल भी इन्होंने यहाँ पे लास्ट में बना दिया है और हर एक बारे हर एक चीज के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि कौन कौन से नंबर कैसे कैसे आ रहे हैं जो मैंने भी आपको यहाँ पे बता दिए तो क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा पूरा अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात जो है वो ये है तो देखिए दोस्तों अब मैं इसका लॉजिक जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहां पर जब हम सेल्स बुक करते हैं तो ये विच इज लोअर लेने का क्या रीजन होता है तो देखिए दोस्तों ये जो लीज पेमेंट है Uh, जैसे कि मैंने आपको कहा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी हमने ये बातें काफी पढ़ रखी है कि uh, आजकल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी मैनिपुलेटिव वे में राइट कराए जा सकते हैं है ना तो वैसे ही क्या होता है कि लेसर लेसी आपस में मिलकर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं जिसके अंदर वो लोग क्या करते हैं आर्टिफिशियली जो आपकी रेट होती है ना इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट ठीक है इसको जानबूझ के लोअर साइड दिखा देते हैं जैसे जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमने अभी क्वेश्चन किया है उसमें आपकी इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज जो है वो इम्प्लिस और इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इम्प्लीसिटी इंप्लिसिट इन द लीज का मतलब क्या होगा कि फ्यूचर में होने वाले जितने भी अपने लीज पेमेंट है उनको इस प्रकार से डिस्काउंट किया जाए ताकि उनकी वैल्यू फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के बराबर आ जाए फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के बराबर ये हो जाए उसको ही हम इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट इन द लीज कहते हैं तो कहने का मतलब